मित्रों स्वागत। दूसरा दिन छठा सत्र। आपका सम्मान कनाडा का मान। इस सत्र में आप मिलेंगे डॉक्टर रत्नाकर नराले और डॉक्टर स्नेह ठाकुर से, जिनसे बातचीत कर रही हैं डॉक्टर शैलजा सक्सेना, जो हिंदी राइटर्स गिल्ड की सह संस्थापक निदेशिका होने के साथ साथ कहानी, कविता, लेख, हाइकू आदि अनेक रचनाएं करती हैं। क्या तुमको भी ऐसा लगा? यह उनका काव्य संग्रह है और इसके साथ ही अनेक संग्रहों में उनकी रचनाएं आ चुकी हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व रंग भारत ने विश्व रंग कनाडा का आयोजन करने का विचार किया और कनाडा में दो दिन के इस उत्सव में हमें भाग लेने का अवसर दिया। मैं विश्व रंग के निदेशक रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री संतोष चौबे जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इन दो दिनों में अनेक सत्र होंगे, लगभग 10 सत्र हैं हमारे, जिनमें हमारे देश कनाडा के बहुत से लेखक, साहित्यकार और कलाकारों को हम प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन सच मानिए, इसके बाद भी बहुत से कलाकार और लेखक ऐसे हैं जिनको हम समय के कारण इन कार्यक्रमों में नहीं ले पाए। कह सकती हूँ कि कनाडा की यह धरती बहुत ही धनी प्रतिभा से समृद्ध है। बहुत सारे प्रतिभावान लेखक और कलाकार इस धरती पर हैं। मैं ये बहुत विश्वास दिला सकती हूँ अपने भारत के भाई बहनों को कि कनाडा में भारतीय संस्कृति, भाषा और साहित्य का झंडा बहुत ऊंचा है, परचम लहरा रहा है। आज का हमारा ये सत्र बहुत ही विशेष है। इस सत्र का नाम है सम्मान आपका, मान कनाडा का। मित्रों, हमारे बीच बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित दो लेखक यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर रत्नाकर नराले और डॉक्टर स्नेह ठाकुर। मैं दोनों का ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। इस कार्यक्रम में जो परिचय है दोनों की, बहुत ही विस्तृत है। बहुत काम किया है, अपना पूरा जीवन इन लोगों ने लेखन के लिए, पढ़ने के लिए, भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए और भारतीय भाषाओं को आगे ले जाने के लिए लगा दिया है। मैं आज इन लोगों से इनकी रचना यात्राओं के बारे में जानना चाहूंगी और आप सबको भी परिचित कराना चाहूंगी। सबसे पहले मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ डॉक्टर रत्नाकर नराले से। डॉक्टर नराले 50 वर्षों से कनाडा में रह रहे हैं। इन्होंने 2 PhD करी हैं, IIT खड़गपुर से और PhD करी है कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर से। ये रायर्सन विश्वविद्यालय जो टोरंटो कनाडा में है, उसमें हिंदी के प्रोफेसर हैं। यॉर्क टोरंटो विश्वविद्यालय में ये पढ़ा चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं। टोरंटो स्कूल बोर्ड में हिंदी और संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं। साथ ही संस्कृत हिंदी रिसर्च इंस्टीट्यूट और पुस्तक भारती के अध्यक्ष हैं। हिंदी इंस्टीट्यूट टोरंटो कनाडा के प्रधानाचार्य रह चुके हैं और हैं अभी भी। बहुत लंबे समय से ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करता रहा है और रत्नाकर जी के निर्देशन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ हिंदी और संस्कृत सीखी है। ये पुस्तक भारती रिसर्च जनरल त्रैमासिक और साहित्य सौरभ त्रैमासिक के संपादक हैं। इन्होंने विश्व हिंदी सम्मान प्राप्त किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का ये सम्मान है जो कि उन्हें मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ था 2018 में, तो उन्हें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी राइटर्स गिल्ड का सरस्वती सम्मान 2018 में मिला है, कला वारिधि सम्मान अखिल विश्व हिंदी समिति से, हिंदू रत्न कनाडा की 150वीं जयंती महोत्सव पर मिला है और कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृताचार्य और कनेडियन हिंदू संस्थान से इन्हें संगीताचार्य की उपाधि भी मिली है। इनकी मुख्य हिंदी की पुस्तकें हैं संगीत श्री रामायण, संगीत श्री कृष्णायन, गीता दोहावली, बाल कृष्ण दोहावली, नंद किशोर दोहावली, गीता का शब्दकोश और अनुक्रमणिका, रामायण दोहावली, शिवाजी दोहावली, गीता की छंद मीमांसा
और गीत रत्नाकर संस्कृतिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। इसके अलावा हिंदी सिखाने, उर्दू, मराठी आदि भाषाओं को सिखाने के लिए इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी किताबों का लेखन किया है, संयोजन किया है और उनकी डीवीडी भी बनाई है ताकि बच्चे इन भाषाओं को सीख सकें। आप स्वयं 9 भाषाएं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनमें है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू और फ्रेंच। ऐसे बहुत ही अधिक जानकार डॉक्टर नराले हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनसे कुछ सुनना चाहूंगी कि नागपुर से प्रारंभ हुई ये यात्रा जो कनाडा में निरंतर चल रही है, अभी भी चल रही है, आपकी कुछ और पुस्तकें आने वाली हैं। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे डॉक्टर नराले कि अपनी रचना यात्रा के बारे में कुछ बताएं और कैसा आपका अनुभव रहा इस रचना यात्रा के दौरान। बहुत बहुत धन्यवाद शैलाजा जी और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं 50 से अधिक वर्ष से लगा हूँ हिंदी, संस्कृत और संस्कृति के प्रचार और प्रसार में। यहाँ शुरू में तो लिखने के लिए, प्रकाशन के लिए सहूलियत नहीं थी, हम हाथ से लिख के ही मैगजीन बनाते थे। बाद में जीरोक्स यंत्र आ गया, जीरोक्स की ब्लूप्रिंट से बना मैगजीन बनाते थे। फिर 1990s में कंप्यूटर आ गया, फिर मैंने अपने फॉन्ट बनाए, फिर हमारी गति बढ़ गई। फिर हमने ऑनलाइन हिंदी फ्री क्लासेस शुरू कर दी और किताबें लिखने, अपने फॉन्ट बनाकर किताबें लिखनी शुरू कर दी। तो पिछले 40 साल से 50 साल से हम किताबें बना रहे हैं। तकरीबन मेरी सारी किताबें तकरीबन अमेजोन पर अवेलेबल है, 40 से अधिक किताबें हैं। आज मेरे ख्याल में मुझे 20-25 मिनट हैं, उसमें मैं एक ही किताब पर एक एक मिनट, दो दो मिनट ही बोल सकता हूँ। तो अभी अभी हिंदी साहित्य भारती जो नई संस्था निकली हुई इंडिया में, उनके रविंद्र शुक्ल जी से बात हो रही थी, कहते हम यहाँ पर भारत में जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं हिंदी संस्कृत या भारतीय संस्कृति पर, और जितने लोगों ने लिटरेचर लिखा है, उनकी हम एक तालमेल करना चाहते हैं कि जो पीएचडी करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उनके लिए किस लेखक की किताबें उपयुक्त हो सकती हैं। तो मेरी 7 किताबों का नाम उनके पास है, तो 7 वो किताबों के बारे में थोड़ा थोड़ा कहूँगा आज मैं। और दूसरा दूसरा सेक्शन है मेरा, एक है रिसर्च योग्य पुस्तकें, दूसरा भाग है लिटरेरी बुक्स, तीसरा है शैक्षणिक किताबें। 3 मेरी मुख्य भाग है। आज मैं 40 किताबों का नहीं, पर 25-26 किताबों का मैं जिक्र करूंगा आज। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगा थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए। इस तरह से मैंने रखी है, पता नहीं आपको नजर आएगी, किताब पर टेबल पर रखी हुई है किताब, शायद नजर आएगी। तो पहली किताब है गीतोपनिषद, पूरा नाम है इसका रत्नाकर रचितम गीतोपनिषद महाकाव्यम। संस्कृत की किताब है, 100% संस्कृत में लिखी हुई है। मैंने संस्कृत में बहुत किताबें लिखी है, मैं अपनी आत्मश्लाघन नहीं करूंगा, फिर भी ये कह सकता हूं मैं कि भारत के बाहर संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में भारत संस्कृति पर, संगीत पर जितनी किताबें एक आदमी ने लिखी हो शायद ही कोई और हो जी, भारत के बाहर कहीं भी किसी भी कंट्री में, ये शायद मैं कह सकता हूँ, शायद और कोई हो सकता है। मुझे नहीं अभी तक पता चला कि कोई है जिसने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं या हिंदी में। तो मैं कुछ किताबों के बारे में कहूंगा। पहली किताब जो है गीतोपनिषद, ये मेरी सबसे सबसे खास किताब है, इसलिए कि गीता क्या है, जो गीता जो धृतराष्ट्र ने संजीव को कहा था 10वें दिन में, महाभारत वार शुरू होने के बाद में 10वें दिन जब पता चला कि भाई भीष्म का पतन हो गया है, उनको तो विश्वास नहीं हुआ। अरे भाई संजय बताओ कि मकुरुत संजय, पांडवों ने और कौरवों ने क्या किया अब तक जी। तो संजय ने जो धृतराष्ट्र को बताया
कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, जो कि व्यास जी ने संस्कृत में लिख के रखा। वो महाभारत का एक चैप्टर गीता है जी। वो गीता व्यास जी ने लिखी है। हम क्या कहते हैं कभी गीता में 700 श्लोक है, 701 श्लोक है, हम कहते भी गीता में 701 श्लोक है, सारे श्लोक नहीं है, भिन्न भिन्न छंद है। कोई भी संस्कृत लेखक लिखता है तो अच्छा लेखक हो तो भिन्न भिन्न छंदों में लिखता है। व्यास जी ने भी भिन्न भिन्न छंदों में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा भी आज व्यास जी ने जब से गीता लिखी है इतने साल हो गए, पता नहीं कितने हजार साल हो गए, अभी तक शुद्ध अनुष्टुप छंद श्लोक में पूरी गीता नहीं लिखी गई है, गीता का बैकग्राउंड नहीं लिखा गया है। गीता में कई सारे शब्द ऐसे हैं, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, बुद्धि है, अकर्म है, सकर्म है, विकर्म है, इनकी व्याख्याएं नहीं है। तो मैंने गीता के 700 श्लोकों का अपने 1500 श्लोक प्योर अनुष्टुप छंद में मैंने लिखी। वो किताब ये है अनुष्टुप गीतोपनिषद, गीता का उपनिषद, मेरे लिखे हुए 1500 अनुष्टुप छंद में गीता को एक्सप्लेन करने के लिए ये किताब निकली, ये लिखी हुई है। इसमें इसमें गीता के जो कई सारे अनुत्तरित भाषांतर हैं उसका जिक्र किया हुआ है। तो ये एक मेरी हृदय के नजदीक ये किताब है जी। दूसरी किताब अभी भी लिखी मैंने, गीता की छंद मीमांसा, गीता की छंद मीमांसा जी। आप गूगल में चाहिए देखिए गीता में कितने छंद हैं। तो कहते भी 701 छंद है, 701 श्लोक है गीता में, कितने 701 श्लोक है या 700 श्लोक है, कई लोग 700 गिनते कई 701 गिनते, और उसमें 5 छंद है, कोई कहता भी 7 छंद है, कोई कहता 12 छंद है। वो गीता में छंद है कितने, तो हमने उसका गीता के जो 2804 चरण है उसमें 22,432 वर्ण है, उसमें 11,216 गण बनते हैं, उनके तीन तीन मात्राओं का एक गण, लघु या फिर छंद बनाए। ये गीता में देखा भी कितने छंद आए हुए भिन्न भिन्न, 109 छंद हमने गिने हैं। तो गीता के 109 छंद पे छंद की पुनरावृत्ति कितनी आई हुई है, कितनी बार कितने रिपीट हो गए हैं, उनका हर छंद का स्वरूप क्या है, व्याख्या क्या है, उनके हमारे शास्त्रों में उदाहरण क्या है, उनकी जो किताब बनी वो है गीता की छंद मीमांसा। बहुत यूनिक किताब है, जिसने रिसर्च करना हो गीता पर आगे संस्कृत पर, वो इसके लिए पूरी संस्कृत में लिखी हुई किताब है, हिंदी में है लिखा हुआ किताब है ये जी। तीसरी हमारी बहुत नोटेबल, बहुत डीप स्टडी किताब है गीता एज शी इज इन कृष्णा'स ओन वर्ड्स। ये 3 वॉल्यूम में किताब है, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 3 है, 3 वॉल्यूम किताब बनी हुई है। इसमें इसमें जब हम गीता गीता पढ़ते हैं, गीता गीता संस्कृत तो बहुत लोग जानते नहीं है, संस्कृत पंडित एक हाथ ही होगा, हजारों में एक ही मिलता है, मगर गीता पे ट्रांसलेशन तो हजारों हुए हैं। जिन्होंने हिंदी में या और किसी भाषा में गीता का ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, पद्य मान लीजिए या गद्य मान लीजिए, सब ट्रांसलेशन लिखा है, संस्कृत का पंडित स्वयं तो है नहीं वो। इसका मतलब उसने किसी और का इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन लिखा, हिंदी ट्रांसलेशन से अपना ट्रांसलेशन किसी और लैंग्वेज, किसी अवधी छंद में किया, किसी ने ब्रज भाषा में किया, किसी ने किस में किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके या हिंदी ट्रांसलेशन लेके, जिसने इंग्लिश ट्रांसलेशन लिया या हिंदी ट्रांसलेशन लिया वो तो संस्कृत पंडित है नहीं। तो इसमें क्या है कि नान जगह जगह भिन्न भिन्न, आप 40 ट्रांसलेशन लोगे, मैंने 52 ट्रांसलेशन लिए, हर हर श्लोक का ट्रांसलेशन भिन्न 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 है। तो मैंने कहा जब जब 40 ट्रांसलेशन में या 50 ट्रांसलेशन में हर श्लोक का ट्रांसलेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसका मतलब असलियत कहीं और ही होनी चाहिए, असलियत यहाँ पे नहीं है, असलियत होती तो सारे एक होनी चाहिए। फिर हमने क्या बैठा, एक एक श्लोक का पूरा ग्रामर लिया, संस्कृत में एक एक शब्द जाता है रूट तक, उसका ग्रामर देखा पूरा रूट तक, और ग्रामर के आधार पर एक एक शब्द को गीता के ट्रांसलेट किया, ये उसका ट्रांसलेट होना चाहिए क्योंकि उसका जेंडर ये है, उसकी विभक्ति है, उसका टेंस ये है, उसकी विशेषण उसका ये है, उसको
तो उसके जो शब्द के अर्थ मैंने उन्हीं उन्हीं ट्रांसलेशन को लेके सेंटेंस बनाए, चाहे सेंटेंस ढंग का बने चाहे ना बने, और अपने अपने जेब से कोई शब्द ना ले एंड या वा या ऐसा डाल सकते हैं आप, बाकी कुछ नहीं। उस तरह से हमने स्टडी की, वो स्टडी है ये गीता की छंद मीमांसा, सॉरी गीता एज शी इज। और जहां जहां हमें हर वर्ड में तकरीबन सारे सारे वर्ड में हमें कहीं ना कहीं भिन्नता लगी, उसके फुटनोट में दिया है और कहीं पे उसका माने ये दिया हुआ है, ये माने नहीं हो सकता क्योंकि उसका ग्रामर कुछ और ही है, उसकी विभक्ति कुछ और है, उसका टेंस कुछ और है, इसका मतलब इसका ग्रामर ऐसे होना चाहिए क्योंकि ये मैस्कुलाइन जेंडर है, एडजेक्टिव है, ये मैस्कुलाइन नाउन से ही मिल सकता है, संज्ञा से ही मिल सकता है। इस तरह से हमने डिफरेंट दिया। ये एक बहुत स्कॉलरली बुक मानी जाती है। जी तो, जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत काम किया आपने, तो ये गीता से प्रिय पुस्तक लगती है। जिसके आगे उसके बाद में संगीत श्री कृष्णायन और संगीत रामायण दो किताबें लिखी हैं, जिस किताबों की वजह से हमें मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मान मिला था। यह है संगीत श्री रामायण है ये किताब, ऐसी किताब है, 1000 पेज की तकरीबन किताब है ये, और संगीत श्री कृष्णायन किताब है ये, ये भी 800 की किताब पेज की किताब है। इसमें महाकाव्य की परंपरा में एक मेरे ख्याल में ये तो दोनों जोड़ा जाए तो विश्व में इससे बड़ी हिंदी कविता और कहीं नहीं है। कई लोगों ने कहा कि हमारी किताब ये सबसे लंबी हिंदी कविता है हमारी, इससे शायद बड़ी नहीं है वो। 2000 पेज इसमें तकरीबन 20,000 पद्य दिए हुए हैं, जैसे हमारा महाभारत में मान लीजिए 40,000, इतनी बड़ी तो नहीं, रामायण में जो 20,000, इतनी बड़ी तो नहीं, मगर कम से कम लगभग उतनी है। तो ये एक किताब है जो कि इतिहास रचने वाली भारतीय संस्कृति, संस्कृत हिंदी की, इसमें 20% संस्कृत है, 80% हिंदी है और 100% म्यूजिक है। हर चीज का इसमें जहाँ जहाँ गीत लिखे हैं उसके नोटेशन दिए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद संगीतकार हूँ तो मैं म्यूजिक बजाता हूँ, जितना लिखता हूँ उतना बजा लेता हूँ, उतना गावे लेता हूँ। तो ये एक किताब है, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा अब मैं क्योंकि टाइम बहुत कम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी सुंदर किताबों के बारे में बताया, और मैं जानती हूँ आपने जो 3 हिस्से करे अपने लेखन के, कि शैक्षणिक है, साहित्यिक है, और जो आपने व्याख्याएं करी है दूसरी जो गीता की और रामायण की, उन सब पे जो आपका काम है वो निस्संदेह हमेशा याद रखा जाने वाला काम है। स्कॉलर्स रिसर्च आगे कर सकते हैं, जरूरत है उसके ऊपर करने की। हां, इस तरह से किताब बिल्कुल। और एक किताब है जी, आज वही बात है कि समय की कमी रहती है हमेशा, क्योंकि देखने वाले लोगों को और भी जानने की इच्छा रहेगी। आपका हम संपर्क जरूर वहां पर देंगे, जो हमारा स्लाइड पहला आएगा परिचय का, उसमें हम आपका संपर्क भी देंगे ताकि लोग आपके वेबसाइट पे जा करके और आपसे संपर्क करके भी चीजों को जान सके। यदि मेरे पास समय खत्म हो गया मेरा, एक मिनट है मेरे पास। अच्छा बताइए जी जी, एक मिनट में कहूंगा क्योंकि अब मैं कहना था बहुत था। मैं जानती हूँ और मन भी है, मेरा भी बहुत मन है सुनने का जी। अच्छा, सीखने की किताब बताऊं, ये गुरुग्रंथ की सीखने की किताब है मेरी, ये तमिल सीखने की किताब है मेरी, अरे वाह, ये उर्दू सीखने की किताब है मेरी, ये हिंदी सीखने की किताब हिंदू चिल्ड्रन के लिए बनी हुई है, जिसको RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, उनकी इंट्रोडक्शन है इसमें, कि भी ऐसी किताब बहुत जरूरी हमारे लिए, ये बहुत लोग यूज करते हैं उसको, अमेज़न पे और वाले लोग, बहुत मंदिरों में वगैरह चलती है। एक दो किताबें मैंने लिखी है यहाँ पर स्कारवर मंदिर के रिक्वेस्ट पे, करे भी हम गीता पढ़ते हैं, हम गीता गाते हैं हम, और हमें नहीं पता थी वो कैसी गानी है, उनके लिए मैंने किताबें भी, हर श्लोक को कहाँ तोड़ा जाए, ये किताब है, कहते हुए हम तो इंग्लिश जानते नहीं, हिंदी जानते नहीं, वह एक इंग्लिश लिखी है, ये एक हिंदी में लिखी है, उनके लिए कि इस तरह से पढ़ सकते हैं। और कई सारी किताब, और सबसे सबसे भारी किताब मेरी है, सबसे वर्ल्ड में चलने वाली किताब में मेरी ये संस्कृत का संस्कृत ग्रामर और रेफरेंस बुक, बड़ी मोटी सी किताब है, 800 पेज की बुक है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। एक बात और कहूँ मैं, कभी मौका मिले तो मेरे, मैं स्वयं गायक नहीं हूँ, और जितना लिखता हूँ उतना बजा और गा सकता हूँ,
कभी मुझे मौका मिले तो कुछ गीत मैं सुनाऊं अपने लिखे हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि एक दिन एक ऐसा कार्यक्रम रखें जिसमें साढ़े 600 गीत की बुक अभी अभी पब्लिश हुई है, अमेजोन पे आई है, अभी पिछले हफ्ते आई हुई है, अभी तक तो मैंने अपनी वेबसाइट पर डाली नहीं। कभी कभी मौका मिले तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होती है जब जब हमारे देश में रहने वाले यानी कि कनाडा में रहने वाले जब भारतीय लेखक इतना कुछ लिखते हैं, इतना सम्मान पाते हैं, इतनी लोकप्रियता पाते हैं, इससे कनाडा का मान बढ़ता है। असली चीज दिखाई नहीं, मेरे में हिंदी सीखने की भूख है। इसमें के लोगों के लिए सीडी वगैरह बना के, चार्ट वगैरह बना के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में और स्कूल में यही किताब चलती है मेरी। अच्छा, थैंक यू फॉर और स्वागत है आपका, स्वागत है बहुत। और मैं अब आमंत्रित करूंगी डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी को, जिनका लेखन इतना विशद है और इतने अधिक पुरस्कार मिले हैं उन्हें और इतना सारा काम किया है कि मैं उनसे कह रही थी कि मुझे क्षमा कीजिएगा कि अगर मैं परिचय में आपका हर बात ना समेट पाऊं, क्योंकि परिचय ही अपने आप में बहुत लंबा और बहुत विस्तृत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अवार्डी हैं, संपादक हैं, पब्लिशर हैं, लेखिका हैं और अनेक विधाओं में उनका लेखन का कार्य हुआ है। वो संपादक प्रकाशक हैं वसुधा नाम की पत्रिका, जो कनाडा से वो 2004 से निकाल रही हैं। डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल आरसी यूनिवर्सिटी बेलग्रेड के कनाडा चैप्टर की। वो रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल जो यूएनओ से संबद्ध है उसकी फेलो हैं। वो हिंदी सेंटर नई दिल्ली की संरक्षिका हैं। विश्व संवाद फोरम की वो चेयरपर्सन हैं। वी कनेक्ट कम्युनिटी सर्विसेज की वो डायरेक्टर हैं। सहयोगी संपादक एवं संयोजक हैं वो विश्व हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक बहुत बड़ा काम होगा, विश्व हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें वो संयोजन और संपादन में सहयोग कर रही हैं। वो प्रवासी जगत और प्रवासी जगत शोध संचार बुलेटिन, लाइवली पोएट सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पोएट्स, डायरेक्टर कनेडियन काउंसिल ऑफ हिंदूज आदि अनेक संस्थाओं से वो जुड़ी हुई हैं। कहीं संरक्षिका हैं, कहीं वो चेयरता है और इसी तरीके से उन्होंने और भी संस्थाएं जो यहाँ की जो सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाएं हैं उनसे भी अपना जुड़ाव बराबर रखा है। वो मानद कुलपति हैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से 2016 में हिंदी सेवी सम्मान मिला था। हिंदी सेवी सम्मान था 2013 का, 2016 में राष्ट्रपति भवन जाकर के उन्होंने ये पुरस्कार स्वीकार किया था, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है किसी भी प्रवासी साहित्यकार के लिए। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में उन्हें गृह मंत्री के द्वारा विश्व हिंदी सम्मान मिला था। अवध रत्न अवार्ड 2015 में, संसदीय हिंदी परिषद से 2018 में राष्ट्रभाषा, लिम्का बुक होल्डर 2015 में उन्हें प्रवासी साहित्यकार एवं पत्रकार का सम्मान मिला। कई चेतना शिखा उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश से वीर सिंह देव का पुरस्कार मिला। यूएनओ से संबद्ध संस्था इंटरनेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड और इंटरनेशनल विमेन सम्मान, दो दो सम्मान उन्हें यूएनओ से संबद्ध संस्था से मिले हैं। एडिटर्स चॉइस अवार्ड से द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पोएट्री से वो सम्मानित हैं। सम्मान दिल्ली से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और विद्याश्री न्यास बनारस से वे सम्मानित हैं। अक्षरम प्रवासी साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान उन्हें मिल चुका है और यूएनओ से संबद्ध रिसर्च फाउंडेशन से उन्हें मानद फेलोशिप मिली है। कनाडा, लखनऊ, कुरुक्षेत्र अनेक जगहों से वे सम्मानित हैं और पीएचडी के जो कार्य हैं उन पर किए गए हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में उनकी रचनाएं लगी हुई हैं। मित्रों, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और ये पुस्तकों का जो विषय है वो उपन्यास, कविता, स्वास्थ्य, अनुसंधान, सभी प्रकार के विषयों पर उन्होंने काम किया है। जो बहुत अधिक लोकप्रिय उनका काम हुआ है वो लोकनायक राम नाम का जो उन्होंने उपन्यास लिखा उसके 4 संस्करण निकल चुके हैं। कैकई चेतना के संस्करण हैं,
नाकंडा अम्मा ये आध्यात्मिक जीवनी है जिसके चार संस्करण आ चुके हैं। दशानन रावण उनका नया काम जो अभी कुछ ही समय पहले आया है और बहुत लोकप्रिय हो रहा है। श्री रामप्रिया सीता और कैकेयी चिंतन के नव परिदृश्य संदर्भ है आध्यात्म रामायण का, ये शोध ग्रंथ है उनका। और कैकेयी चिंतन के नव परिदृश्य संदर्भ तुलसीकृत रामचरितमानस, ये भी उनका शोध ग्रंथ है। चिंतन के धागों में कैकेयी संदर्भ वाल्मीकि रामायण, यानी कैकेयी को हर दृष्टि से हर आयाम से उन्होंने खंगाला उस चरित्र को, उसके बारे में विस्तार से अनुसंधान की पुस्तकें भी लिखी और उपन्यास भी लिखा है। उनके लेखों का संग्रह है आज का समाज, कहानी संग्रह है उनके अनोखा साथी और आज का पुरुष, उनके काव्य संग्रह है जीवन के रंग, जीवन निधि, काव्यांजलि, जज्बातों का सिलसिला, अनुभूतियां और हास परिहास में हास्य की कविताएं हैं। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी पुस्तक भी लिखी है संजीवनी नाम की, और उपनिषद दर्शन ईशोपनिषद पर उन्होंने विस्तृत काम किया है उपनिषद दर्शन में। अंग्रेजी की कविताएं हैं उनकी द गैलेक्सी विद इन में, और लेख संग्रह है पूर्व पश्चिम। इसके अतिरिक्त आदि संग्रह, अनेक संग्रह हैं जिनमें उनका उनकी रचनाएं संकलित हैं। उन्हें भारत की प्रमुख, भारत में जो पत्रिका निकलती है उसमें प्रमुख प्रवासी लेखिकाओं के 25 लेखिकाएं जो उन्होंने चुनी थी उनमें से भी दिया गया है, उनको सम्मानित स्थान दिया गया है। चित्रकला में भी उनकी इतनी अधिक रुचि है कि उसकी प्रदर्शनी भारत और कनाडा हर जगह लगाई जाती है। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं समाज के लिए, साहित्य के लिए, और इतने, जैसे मैंने कहा, मैंने अवश्य कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य छूट गए हैं मुझसे, लेकिन मैं समय स्नेह जी को स्वयं अपने उनकी बातचीत को सुनने के लिए लगाना चाहती हूँ। तो अगर कुछ स्नेह जी मेरे से पुरस्कार छूट गए हो तो मैं बहुत क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप विश्व की प्रसिद्ध लेखिकाओं और साहित्यकारों में आपका नाम आता है। आप एक अकेली ऐसी महिला हैं जिनको साहित्य लेखिकाओं में स्थान दिया गया था, और अनेक संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। मुझे लगता है आप स्वयं भी जब उसको लिखने लगती होंगी तो लंबा समय लगता होगा कि कहाँ कहाँ अधिक लिखा है। मैं आपसे ही आपकी रचना यात्रा के बारे में सुनना चाहूंगी, आपका हार्दिक स्वागत है। शैलजा जी नमस्कार, राम राम और धन्यवाद। और जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनका बहुत आभार कि वो अपना समय दे रहे हैं। आपने सब कुछ कह ही दिया। जो मेरी किताबें ऊपर बहुत जोर से लगी हैं और वहां तक मैं अपना ये टेक्निकल काम मेरे बस का नहीं है तो वो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन काफी कुछ आपने किताबों के बारे में कह दिया। और चित्रकूट में पैदा हुई हूँ तो एक राम जी का जो शुरू करा है, जो वहां से कहा भी गया था मुझे कि क्योंकि चित्रकूट जाती आती रहती हूँ, अभी भी जाती हूँ बीच बीच में, तो ये था कि राम पे काम करने के लिए तो कैकेयी से जब शुरू हुआ था। और आपको आश्चर्य होगा कि इन सेंस आश्चर्य होगा कि प्रतिभा पाटिल जी ने मुझे बुलाया इसके लिए। अरे वाह। और जब उनका फोन आया पूर्व राष्ट्रपति जी, और हम जो हमारी बड़ी ननद थी वो शी वॉज अबाउट 89-90 और ऊंचा सुनती थी, तो हम घर से बाहर थे जब उनका फोन आया होगा और बड़ी ननद ने हमको बताया, उन्होंने कहा मजाक कर रही है, आपको कोई कुछ और कहा होगा और आपने ये सुन लिया। खैर बाद में फिर उनका फोन आया और हम लोग गए वहां पे। और मैंने उनसे सबसे पहले, मैंने कभी, शैलजा जी आपने देखी होंगी मेरी कुछ किताबें, कि कभी भूमिका बहुत बड़ी नहीं लिखी जी। तो चार पेज की हो जाए, एक दो पेज की हो जाए, कह कह की भूमिका गई है 23 से 26 पेज की। अच्छा। तो पर उसमें हुआ क्या था कि 6 रामायण, और जैसा कि आपने कहा कि तुलसी, वाल्मीकि, अध्यात्म, आनंद, कंभ, पंपा और रामकथा ग्रंथ वगैरह हैं सारे, उनको खंगोल के किया गया था। तो भूमिका में क्या हुआ कि मैंने जो प्रूफ करके लिखा था कि कैकेयी दोषी नहीं है जी, और उनके इन सब रामायणों से
उद्धरण दिए गए थे, श्लोक दिए गए थे, और बृहस्पति के श्लोक का नाम अगरा दूं, बिल्कुल शोक ही उद्धृत कर दिए गए थे उनके अर्थ सहित। तो वो लंबी हो गई, तो जैसे ही मैंने उनसे कहा, कहने लगे कि आपने तो युगो युगों का कैकेयी का कलंक मिटा दिया, यही उनके शब्द थे। बहुत सुंदर। तो बोले कि एक नारी को जो इतने समय से जिसका नाम भी नहीं दिया जाता था लड़कियों को, उसको आपने उनका कलंक मिटा दिया और उसको सभी महान ग्रंथों से राम के ऊपर और अपने जो तुलसी ग्रंथ जो अभी आपको बताया वाल्मीकि ग्रंथ, उन सब से उद्धृत करके जी। तो जैसे मैंने उनसे माफी मांगी, बोले अरे वही पढ़ के तो आपको बुलाया है। बोले पूरी तो मैंने बाद में पढ़ी है, लेकिन वही पढ़ के मैंने उनको, उनके दास जी पिए दास थे, बोले वही पढ़ के तो मैंने उनको कहा कि नहीं भाई उनको बुलाइए, बात करेंगे और इसकी अनुमति मांगेंगे कि इसे पार्लियामेंट के जो लाइब्रेरी है उनकी वहां रखा जाए। तो ये मेरा सौभाग्य था उनसे। आपने जैसे कहा कि प्रणब मुखर्जी से भी सौभाग्य था बोले पुरस्कार लेने का। तो जैसा कि आपने किस का उसके बारे में बोलूं या समय की जो आप सीमा बता रही हैं, और आपने कह दिया है कि साहित्य की हर एक विधा में लिखा है, बचपन से कविता गुणों का शौक था, नाटक भरतनाट्यम इन सब में रही बचपन से जी। तो उन सब को मतलब ये यहाँ करीब 54-55 साल हो गए होंगे जब से, और स्पेशली पहले हिंदी का प्रचार यहाँ इतना ज्यादा नहीं था, तो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम लोग करते थे और एक एक महीने में एक एक मीटिंग तो जबरदस्त एक तो होती ही थी सब यहाँ घर में, और उसके बीच बीच में भी क्योंकि विश्व हिंदू परिषद में भी मैं कार उनके जो भी आप कहिए, एकदम से वर्ड्स भी नहीं याद आ रहे हैं, पर सचिव और वो सब थी बीच बीच में। तो और अपन लोग मजाक मजाक में जो कर रहे थे कि देखिए लेडीज और ये औरतें कब पढ़ लिख लेती हैं, क्या करती हैं, और उस समय तो एक बहुत साल पहले की मुझे बात याद है कि हम लोग की ऐसे साहित्य गोष्ठी हो रही थी और उसमें ये कहा गया, अंग्रेजी में एक चीज दी गई थी कि इन कंपैरिजन टू ए पोएट डज पोएटस हैज समथिंग यूनिक टू से। तो उस समय हम कवित्रियों की संख्या थोड़ी बहुत कम थी, अब काफी है, और एक तरह से चुनौतीपूर्ण दे दिया गया जी। दिया गया था इंग्लिश में और पर उसका जवाब हिंदी में दिया क्योंकि हिंदी को ही आगे बढ़ाने की चेष्टा। तो वो एक बहुत ही हल्का फुल्का है, लेकिन उस संदर्भ में उसे पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है बिल्कुल। हाँ, कवि और कवित्री, पूछा एक महान कवि ने, कवि और कवित्री के संदर्भ में क्या मेरी राय में इन कंपैरिजन टू ए पोएट Does poetess has something unique to say? और यही था कि आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग मतलब जैसा जिस तरह से वो उड़ाया गया था। तो उत्तर के लिए समय की आवश्यकता ही न पड़ी और मैं खिलखिला कर बोल पड़ी कि कैसे कर सकती है ऐसी हिमाकत एक अदना सी औरत। तो जब आते हैं भाव कवि के, बंद कर लेते हैं वो अपने को वातानुकूलित कमरे में, फेरते हुए हाथ घुंघराले बालों में, फर्राटे से चल पड़ती है लेखनी कागज पे। उनके पास तो समय समय है तो, और जब उमड़ते हैं भाव कवित्री के, अब हम लोगों की क्या दशा होती है, अब तो काफी वो चीजें चेंज हो चुकी हैं, उस समय हम लोगों को ज्यादा ही करना पड़ता था। तो जब उमड़ते हैं भाव कवित्री के, गूंध रही होती है वो आटा, और उन्हीं आटे सने हाथों से अपनी उलझी लटों को खिसका भावों को रख देती है ताक पर, और जुट जाती है बनाने लोइयां
हल्दी रगे हाथों से मुन्ने की नाक पोंछ, हाथों बनाने लगती है भुनभुनाते पति के लिए रोटियां। कवि के लिए हो जाता है अंत हर एक जवाब सवालों का, देकर एक ही उत्तर कि आज तो मूड है लिखने का। कवि के मूड के आने जाने पर समय की पाबंदी नहीं होती और कवित्री का मूड बेरोक टोक आने पर नारी धर्म के आड़े आ जाता है। क्या बात है, वाह। तो कवि के भाव तुरंत कागज पर न उतरने से कपूर की तरह उड़ जाते हैं कि अब हमको तंग नहीं करो, हमें लिखना है, वो सब भूल जाऊंगा नहीं तो। तो कवि के भाव तुरंत कागज पर न उतरने से कपूर की तरह उड़ जाते हैं, पर कवित्री के भाव वाष्प नहीं बनते, वरन जार में बंद करके रख दिए जाते हैं। क्या बात, क्योंकि अरे बाद में लिख लेना, क्यों विवश करती हो भूखे मरने पर। कवि के लिए ऐसी दलीलों की पड़ती नहीं है जरूरत मूड आने पर। जब आती है उमंग रात को लिखने की, और ये सचमुच एक हम लोग सडबरी में एक टाइम थे और उनका नाम हमने प्रयोग ले लिया है, और तो पर ये मजाक के सेंस में उनका ली गया और ये बच्चे सच बात है वैसे ही है। जी। तो जब आती है उमंग रात को लिखने की, उठाते हैं अब्दुल कवि बेगम को, कहीं बिखर न जाए ये शब्द मोती, लिखो भाई जल्दी से बानो। वो खुद नहीं लिखते थे। अच्छा। उनको उठा के हरदम ले, वो सच बात है ये। और हम मारे डर के धीरे से, रात की बात है, और हम मारे डर के धीरे से बिस्तर से सरक सरक कर उठते हैं, कहीं घर वालों की नींद न उड़ जाए, कमरों के दरवाजे बंद करते हैं, उस पर भी डर डर कर जककर लिखते हैं, और बीच बीच में सुबह के नाश्ते की फिक्र करते हैं। सच्ची बात है। कवि जी रात के जगे हुए कसमसाते शरीर को आराम फरमाते हैं, और कवित्री जगने का अपराध बोध ला दे। जब आंखें नहीं खुल रही और काम करना है, क्या क्या गलती करी मैंने वो। सो और कवित्री जगने का अपराध बोध ला दे, सुबह ही चाय की गर्मा गर्म प्याली पकड़ाने हाजिर हो जाती है और फिर दिन के कामों में व्यस्त हो जाती है। कवि और कवित्री के लिए है फर्क समय की उपलब्धता। सही बात। कवि के लिए लिखना है एक कला, और कवित्री के लिए बचे खुचे समय में भावदर्शिता। बढ़िया। हालांकि मैं यह नहीं कहती कि पुरुष लगाता है लिखने पर प्रतिबंधता। हम लोग लकी हैं और यहाँ पे जितने हैं सब, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, सभी पति लोग यहाँ बड़े अच्छे मिले। फिर भी तो हालांकि मैं यह नहीं कहती कि पुरुष लगाता है लिखने पर प्रतिबंधता, पर पुरुष के कार्य क्षेत्र की सीमितता और नारी के क्षेत्रों की अनेकता आ जाती है आड़े हर कहीं। पुरातन काल से अभी तक पुरुष का दायित्व संरक्षक के रूप में कमाने तक ही होता है, जबकि नारी जीवन दात्री से लेकर अब तो संरक्षिका भी बन गई है। जी, बहुत ही सिंगल वोमन जो बच्चों को संभाल रही हैं, कर रही हैं। तो जबकि नारी जीवन दात्री से लेकर अब तो संरक्षिता भी बन गई है, घर के परिवेश से निकलकर आजीविका कमाने का दायित्व भी बटाती है। ऑफिस से आने पर, अभी अंतर है, दोनों ही पुरुष और स्त्री ऑफिस से आ रहे हैं, तो ऑफिस से आने पर पुरुष को चाहिए चाय का प्याला वो अखबार, और नारी ऑफिस से आ उस प्याले को बनाने फटाफट रसोई में घुस जाती है। आज की नारी के क्षेत्र तो बढ़ रहे हैं हनुमान जी की पूंछ की तरह। उन दायरों में बंधी हुए तो बस लिख लेती है किसी भी तरह। सही
does poetess has something unique to say? इस प्रश्न पर करूं क्यों मत्था पाची, इस प्रश्न पर करूं क्यों माथा पंची, प्रकृति ने बनाया दोनों को भिन्न ही, तो फिर स्वाभिक्त है लेखनी भी भिन्नता जाहिर कैसे न करे। और फिर ये कटाक्ष है, और फिर कवि की वरदात्री भी तो है नारी, कवि की वरदात्री भी तो है नारी, क्या लिख सकेगा वह कुछ भी बिना सरस्वती की कृपा हुए। बहुत सही बात, बहुत बढ़िया। तो आप सोच लीजिए कि अपने को काफी ऊंचा उठा लिया है। नहीं, बहुत आपने, और जिस तरीके से स्त्री की बात कही है कि किस तरीके से हम लोग उलझनों के बीच में लिखते हैं, काम करने के बीच में लिखते हैं, और बहुत डर डर के लिखते हैं, जो सरक सरक के उठने वाली बात है, उससे तो सारी ही महिलाएं सहमत होंगी, क्योंकि बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं कि बाथरूम में जाके लिखते हैं कि लाइट की डिस्टर्ब ना करे। तो आपने वो सारी चीजों को उठा के बहुत सही तरीके से बता दिया, और मुझे लगता है कि कैकई की चेतना में भी वही नारी चेतना आपकी काम करी होगी जो जो आप अभी बता रही हैं इस कविता के माध्यम से। नहीं, वो लगा था इस सेंस में, मुझे अच्छा लगा था कि ये जो एकदम से टॉन्ट कसा गया था कि भाई तुम लोग क्या लिख लेती हो, क्या करती हो, उसका एक संदर्भ था। और वो आया ऐसे कि अपन लोग बात कर रहे थे, और बात करते करते एकदम से आपने कहा कि अरे मुझे तो अब ज्यादा खाना बनाना है उनके लिए, बच्चे आ रहे हैं और यू नो पति आ रहे हैं। और सचमुच मतलब ये नहीं कि उसमें कोई हम लोगों को बुराई लगती, बल्कि अच्छा ही लगता है। वो तो सही बात है, बिल्कुल सही। जब बच्चों और पति और परिवार का जब एक होना, वो नारी पर ही निर्भर करता है, और नारी को एक उसमें सुखद अनुभव होता है। जी जी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। मैं आपसे बातें करती चले जाना चाहती हूँ, लेकिन इसे बस इस समय तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, आप कुछ सुनाइए थोड़ा सा और, तो हम जी मैं आपको जैसे आपने कहा था, सब करीब 600 पेजेस के उपन्यास हो रहे हैं, लोकनायक राम है ये, अगर आपने जिसकी बात करी है। और इसका महत्व जो है कि राम को मैंने चित्रकूट में पैदा हुई हूँ, तो राम आदर्श है और बाकी सभी को मानती हूँ, पर राम को मैंने लोकनायक राम के रूप में दिखाया है, नॉट भगवान राम के रूप में। जी, जी, जी। एक पुरुष उत्तम के रूप में दिखाया है, जो कि पुरुषोत्तम है कि कुछ भी एक पुरुष कहाँ तक ऊपर जा सकता है और दैवीय हो सकता है, उस रूप में दिखाया है। और इसीलिए उसे, जैसा आपने कहा, अवध रत्न मिला है, जो कि मोहम्मद जायसी और जयशंकर प्रसाद दोनों की तरफ से मिला है। अच्छा। तो जायसी जी लखनऊ के मतलब उनके अपना मतलब मुस्लिम वर्ग की तरफ से भी मिला है ये। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने इसको सराहा है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात लगी मुझे कि ये उनका इसका बहुत बड़ा अनुदान है कि उन्होंने इसको राम के रूप में जिसे एक धर्म के रूप में लेने की जगह जी, जिस रूप में मैंने लिया है उसी रूप में उन्होंने सब सराहा है। और जैसे आपने कहा श्री राम प्रिया सीता ये सब है, रावण है जो अभी अभी लिखा गया है। जी जी, दशानन और दशानन रावण, और ये कैकई आपने कहा, और बाकी पुस्तकें इतनी ऊपर है कि हम आपको नहीं दिखा नहीं, पाएंगे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, पर पर है जी, बिल्कुल वसुधा के पीछे पन्ने में लिखी हुई है। जी, नहीं बिल्कुल, मैं बस समय के कारण आपसे यही कहूंगी। और वसुधा भी इसी समय का एक था कि यहाँ पे बढ़े, तो जब विश्व हिंदू परिषद का यहाँ पे जरा जोर कम होना शुरू हुआ तभी से वसुधा भी निकली। जी, और तो राम के उसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि वैश्विक रूप है तो इसके करीब एक पेज का है, तो इसमें है कि मानवता वैश्विक है, मानव कहीं का भी क्यों ना हो गुण दोष से भरा होता है, अतः मानवता की रक्षा ही किसी भी देश काल का परम उद्देश्य होना चाहिए, और श्री राम का था, यही उनका उद्देश्य था, जिन्होंने अपने पुरुषोत्तम रूप से ही उत्तम मानव का निर्माण कर मानवता की महानता को इंगित किया।
किसी भी देश का समाज मानव समुदाय है, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि यहाँ का भी समुदाय राम को उसी रूप में माने। हम लोग भगवान के रूप में मान रहे हैं, लेकिन आप भगवान के रूप में ना भी मानिए तो पुरुषोत्तम के रूप में आप उनको नकार नहीं सकते हैं। और वो विश्व की अनुभूति हो जाती है जी। तो किसी भी देश का समाज मानव समुदाय है, यदि मानव गुणी होगा तो समाज स्वयं ही सर्वहितैषी बन जाएगा। लोकमत सर्वशक्तिमान होता है, चाहे वह राजतंत्र का समय हो या लोकतंत्र का। तो त्रेता युग राज के युग का जी जो वो है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जी जी। ऐसा लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया जाओ, लेकिन हाँ समय के लिए, क्योंकि सत्ता का महान उत्तरदायित्व यह है कि वह लोक हित में संलग्न रहे और भ्रष्टाचार से बचे। जनता सुदृढ़ रूप से संगठित होकर ही सत्ता को बलवान बना सकती है। श्री राम ने सदैव ही व्यक्ति और राज दोनों स्तरों के उच्चादर्शों को जीते हुए लोक कल्याण की भावना, जनजीवन की समृद्धि को ही सर्वाधिक प्रधानता दी है। सदैव समष्टि को व्यष्टि के ऊपर रखा है। उनके उच्चादर्शों में व्यक्ति स्तर सर्वदा सामाजिक स्तर में अंतर्निहित हो जाता है। श्री राम कभी भी अपने लिए नहीं जिए, वे तो सदैव प्रजा समाज राज्य की समृद्धि में अनवरत लगे रहे। श्री राम की यही मंगलकारी हितैषी शिक्षा सर्वदेशीय सार्वकालिक है, जो केवल भारत की ही नहीं विश्व की धरोहर है। और थोड़ी सी कुछ लाइनें ऐसी हैं, श्री राम विश्व के उस मानव का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने सद्गुणी कर्मों से दैवी गुण प्राप्त कर देवत्व तक पहुंचने की क्षमता रखता है। उन्होंने समाज को राक्षसों से बचाने के लिए वानरों की सोई शक्ति जगा दी। मानव का तो छोड़ ही दीजिए, उनके कर्म लोक स्वार्थ हैं, लोक रक्षार्थ हैं। राम कथा जीवन के व्यवहारिक रूप को आदर्श रूप से जीने की कथा है, चाहे वह जीवन किसी भी भूभाग का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। बहुत बढ़िया। राम के जीवन का, उनके चरित्र का हर पक्ष काल कालांतर से जनमानस को प्रभावित करता आया है, इसीलिए वे जनमानस के आदर्श है। ये कथा हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर तो है ही, विश्व धरोहर ये क्यों नहीं है, इसे हमें बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और उसी के उद्देश्य से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि कर्तव्य पथ पर अविचलित श्री राम पुरुष उत्तम पुरुषोत्तम है। काम क्रोध मद लोभ और मोह उनके नियंत्रण में है और उदारता उनका स्वभावजन गुण है। ये किसी भी धर्म की, सभी धर्म की विशेषता है और ना किसी धर्म की अपनी की संपत्ति है। वे स्वयं के लिए नहीं जिए, श्री राम स्वयं के लिए नहीं जिए, वरन प्रजा समाज और राज्य की समृद्धि के लिए जिए। वट वृक्ष की तरह स्वयं घाम में जलते हुए दूसरों को छाया देते रहे, उन्हें ताप से बचाते रहे। सदैव समष्टि को व्यष्टि के ऊपर रखा, त्याग की प्रतिमूर्ति श्री राम ने राज्य ही नहीं अपने प्रिय संबंधों की भी लोक कल्याण हेतु आहुति दी। श्री राम प्रिय सीता में जो उनका जो कहते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये उन्होंने अपने प्रेम की आहुति दी है। अगर ऐसा ना होता तो उनके अपने पिता की तरह कई शादियां कर चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल। एक पत्नी व्रता का दो लाइनें और हैं। अपनी पत्नी व्रता का जो उन्होंने आदर्श रखा है, वो श्री राम ने ही रखा है, और नारी के ही आदर्श रूप को उन्होंने ऊंचा उठाया है। तो उन्होंने अपने संबंधों की भी लोक कल्याण के हेतु आहुति दी। ऐसे आदर्श पुरुष पुरुषोत्तम ब्रह्मांड की धरोहर है, उनके चरित्र को विश्व स्तर पर न ले जाना उनके प्रति कृतज्ञता नहीं, वरन काल कालांतर के मानव के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। इसीलिए
हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न जारी है कि जितना कुछ हो सके अपनी संस्कृति जो कि सबके लिए लोक कल्याणी है, चाहे वो विश्व का कोई भी वो हो, कनाडा में हम रह रहे हैं इसलिए हम कनाडा में फैला रहे हैं, भगवान करिए आगे बाकी जगह भी फैले। बहुत 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 धन्यवाद स्नेह जी, और आज आपने बहुत समय दिया, बहुत अच्छा लगा। ये सारे जो सत्र हैं वो भारत से समय के हिसाब से वहाँ यूट्यूब पर और फेसबुक पर दिखाए जाएंगे, इस कारण थोड़े समय की मेरे पास कभी नहीं, नहीं आपकी, लेकिन आपकी ये दुविधा बहुत वो है, लेकिन ये था कि हाँ नहीं बहुत अच्छा आपने कितना है और जी जी हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो बिल्कुल वही बात है, हरि अनंत हरि कथा अनंता की कितनी कितना भी कहा जाए कम है, लेकिन आप जितना भी काम कर रही हैं उस सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आपको और नराले जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग दोनों जने यहाँ पर आए, अपना समय निकाला और आपका सम्मान हमारा मान है। मैं आप दोनों को बहुत धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आप जो बाकी लोगों को ऊपर ला रही हैं, उनका काम दर्शा रही हैं, ये सबसे बड़ा काम जो कर रहे हैं हमारी जगह आप कर रही हैं। ये आपके नाम के अनुरूप इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, मेरा छोटी सी ये चेष्टा है विश्व रंग के माध्यम से। नहीं, भगवान करे आप इसी तरह आगे काम करती रहे, और बहुत बड़ा काम कर रही है ये हम लोगों का सम्मान नहीं, आप हमें सम्मान दे के हम आपका सम्मान करना चाह रहे हैं। ये आपका बड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जी, श्री जय श्री राम। सत्र 7, देखन में छोटी लगें, लघु कथा पाठ और परिचर्चा में आपका स्वागत। इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी लघु कथाएं रामेश्वर काम्बोज हिमांशु, भुवनेश्वरी पांडे, डॉक्टर शैलजा सक्सेना और कृष्णा वर्मा। कृष्णा वर्मा इस सत्र की संचालिका हैं, जो हाइकू, सदोका, चौका, ताका, माहिया आदि लिखती हैं, जिनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी लघु कथा आदि भी छपती रहती हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार मित्रों, आज के इस विश्व रंग कनाडा के अंतर्गत आयोजित इस लघु कथा गोष्ठी में आप सबका स्वागत। देखन में छोटी लगी लघु कथा सत्र में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी इस लघु कथा गोष्ठी में भारत से श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी, कनाडा से डॉक्टर शैलजा सक्सेना तथा भुवनेश्वरी पांडे जी जुड़े हैं, जिनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। काम्बोज जी जितना भारत से जुड़े हैं उतना ही कनाडा में हिंदी राइटर्स गिल्ड से भी जुड़े हुए हैं, जो हम सब के प्रेरणा स्रोत तथा मार्गदर्शक हैं, बल्कि यूं कहें कि भारत और कनाडा के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं। आज समय की कमी और आपाधापी के दौर में उपन्यास और कहानियों से अधिक लघु कथाएं पढ़ी जा रही हैं। ऐसे में लघु कथाओं ने पाठकों को कम समय में अधिक प्रसंगों से जोड़ने का काम किया है। लघु काय आवरण में 90 तुले महत्वपूर्ण शब्दों में यह एक ऐसी कसी हुई विधा है जिसे पढ़कर पाठक का मस्तिष्क सच में झंझना उठता है और लंबे समय तक लघु कथाएं अपनी छाप छोड़ती हैं। आजकल साहित्य में यह विधा बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। हमारे बहुत से श्रेष्ठ लघु कथाकारों ने जैसे श्री भगीरथ परिहार, डॉक्टर सतीश राज पुष्करणा, श्री सुकेश साहनी, श्री रामेश्वर काम्बोज हिमांशु, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल तथा डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने इस विधा को नए आयाम दिए हैं।
आज सबसे पहले मैं आदरणीय काम्बोज जी को संक्षिप्त परिचय देते हुए उनसे अनुरोध करूंगी कि वह हम सब के साथ अपनी लोक कथा सांझी करें। आदरणीय रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी साहित्यिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम, जिनकी विद्वता से हम सभी परिचित हैं। 37 पुस्तकों के संपादन के अलावा इनके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी की शायद ही कोई ऐसी विधा होगी जिनमें इन्होंने न लिखा हो। समय की सीमा को देखते हुए मैं कुछ एक इनकी प्रकाशित चर्चित रचनाओं का जिक्र यहाँ करूंगी। बंजारा मन काव्य संग्रह, बंद कर लो द्वार हाइकू संग्रह, असभ्य नगर लघु कथा संग्रह जिसके 2 संस्करण, खूंटी पर टंगी आत्मा व्यंग संग्रह जिसके 3 संस्करण, भाषा चंद्रिका व्याकरण, लघु कथा का वर्तमान परिदृश्य, लघु कथा समालोचना, फुलिया और मुनिया बाल कथा जिसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी इसका संस्करण है। और आप सबको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत की ओर से 2 बार इटली के विश्व पुस्तक मेले में इसका प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा हरियाली और पानी बाल कथा का 3रा संस्करण भी आ गया है। यह 4 भाषाओं में अनुदित हुई है और प्रकाशित हुई है। इनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद नेपाली, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती एवं बंगला में भी हुआ है। लघु कथा की एकमात्र वेबसाइट laghukatha.com जिसे श्री सुकेश सानी तथा श्री रामेश्वर काम्बोज इनके संपादक हैं, और हिंदी हाइकू नेट तथा त्रिवेणी blogpost.com में ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर हरदीप कौर संधु के साथ काम्बोज सहयोगी संपादक हैं और सह साहित्य नाम से अपना एक ब्लॉग भी चलाते हैं। आकाशवाणी से भी के कई केंद्रों से उनका प्रसारण हो चुका है, जैसे रेडियो सिलोन, आकाशवाणी गुवाहाटी, रामपुर, नजीबाबाद, अंबिकापुर एवं जबलपुर, दूरदर्शन हिसार, टैग टीवी और एटीएन कनाडा से। यह केंद्रीय विद्यालय के प्रचारी पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आज पूर्ण रूप से लेखन से जुटे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगी भाई काम्बोज जी से कि वह हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लघु कथा लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार जी। लघु कथा लिखना कहूँ या लघु कथा रचना कहूँ, मैं रचना कर्म इसको जरूर कहूँगा, क्योंकि इस तरह नहीं है कि कभी भी जब चाहे बैठ गए और लिखना शुरू कर दिया। जैसे कविता के मनोभाव जब आते हैं तो कलम चल पड़ती, उसी प्रकार से लघु कथा का भी रचना कर्म है। और जो शब्द का अनुशासन है वो जिस तरह काव्य में होता है या गीत में होता है, ठीक उसी तरह से वह अनुशासन हमको लघु कथा में भी रखना पड़ता है। और वह लघुता ही लघु कथा की सबसे बड़ी शक्ति है। न तो कोई शब्द ऐसा हो जो जोड़ा जा सके, न कोई शब्द ऐसा हो जो छोड़ा जा सके। और जब ऐसी स्थिति होती है तभी मुकम्मल लघु कथा बनती है। कभी कभी आकार की बात करते हैं तो जो विषय वस्तु हमारी है, विषय वस्तु के अनुसार ही कोई भी रचना आकार ग्रहण करती है। वह 5-6 पंक्ति में भी हो सकती है, 15-20 पंक्ति में भी हो सकती है, जितने में बात पूरी कही जा सके उतना उसका आकार है। लेकिन फिर वही बात आती घूम फिर करके कि उसमें अनावश्यक कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक शब्द भी नहीं। शीर्षक भी ऐसा हो कि जो सीधा सपाट न हो, वो सांकेतिक हो और उसका लघु कथा का एक तरह से मुकुट का काम करे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। और हड़बड़ी में लिखी गई जो लघु कथा है वो हमेशा गड़बड़ी का कारण बनती है। जो धुआंधार लिखने विश्वास करते हैं वो लघु कथा उगल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब लिखें लघु कथा में धैर्य की बहुत आवश्यकता है। लिखने के तुरंत बाद उसको फेसबुक के लिए या किसी प्रकाशन के लिए रवाना न कर दें, थोड़े दिन उसको आराम करने दें, फिर पढ़ें और देखें क्या उसमें आप हटा सकते हैं, क्या उसमें आप जोड़ सकते हैं।
तब लगेगा कि बहुत सारी चीज उसमें अनावश्यक है, उसमें अनावश्यक चर्बी होनी ही नहीं चाहिए। कितनी हाइट है उसके अनुसार वजन होना चाहिए, ये जरूरी है। और यही लोककथा का एकमात्र सूत्र है कि आप उसमें अनावश्यक कुछ न जोड़ें, जरूरी कुछ न छोड़ें और उसको भरने की कोशिश न करें, उपदेश से उसको बचाएं। लेखक अगर खुद बोलने लगता है तो समझिए फिर लोककथा गई, उससे बचना चाहिए। बहुत अच्छा जी। अब आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी एक लघु कथा सुनाएं। यूं तो हम सभी जानते हैं कि कामबोज जी बहुत पारंगत हैं इसमें, और उनकी ऊंचाई नाम की जो लघु कथा है वो खुद ही बोलती है कि कई बार चुराई भी गई और जिस पे एक लघु फिल्म भी बनाई गई थी। स्वागत। आज मैं अपनी एक दूसरी लघु कथा सुनाऊंगा, धारणा जी। मैं इस शहर में बिल्कुल अनजान था। काफी भागदौड़ करके किसी तरह पासी मोहल्ले में एक मकान खोज सका था। परसों ही परिवार शिफ्ट किया था। बातों ही बातों में ऑफिस में पता चला कि मैं अपना परिवार पासी मोहल्ले में शिफ्ट कर चुका हूँ। बड़े साहब बहुत चौंके, आप से परिवार इस मोहल्ले में रह पाएंगे? क्या कुछ गड़बड़ हो गई सर, मैंने हैरानी से पूछा। अरे बहुत गंदा मोहल्ला है, यहाँ आए दिन कुछ न कुछ लफड़ा होता रहता है, संभल कर रहना होगा। साहब के माथे पर चिंता की रेखाएं उभरी। यह मोहल्ला गंदे मोहल्ले के नाम से बदनाम है, गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही है यहाँ पर। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि बड़े बाबू आप पहुंचे। सर आपने मकान गंदे मोहल्ले में लिया है? लगता मैंने ठीक नहीं किया, मैं पछतावे के स्वर में बोला। हाँ सर ठीक नहीं किया है, यह मोहल्ला रहने लायक नहीं है, जितना जल्दी हो सके मकान बदल लीजिए। उन्होंने अपनी अनुभवी आंखें मुझ पर टिका दी। इस मोहल्ले में आने के कारण मैं चिंतित हो उठा। घर के सामने पान टाफी बेचने वाले खोखे पर नजर गई। खोखे वाला काला कलूटा मछंदर एकदम छटा हुआ गुंडा नजर आया। कचर कचर पान चबाते हुए वह और भी विभत्स लग रहा था। सचमुच मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। छत पर किसी के कूदने की आवाज आई, मेरे प्राण नखों में समा गए। मैं डरते डरते उठा, दबे पांव बाहर आया, फिर जो दिल दोनों जोरों से धड़क उठा। मुंडेर पर नजर गई, वहां एक बिल्ली बैठी थी। आज दोपहर मैं बाजार से आकर लेटा ही था कि आंख लग गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर थपथपाहट हुई, दरवाजा खुला हुआ था। मैं हड़बड़ा कर उठा, सामने वही पान वाला खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोपहर का सन्नाटा, मुझे काटो तो खून नहीं। क्या बात है, मैंने पूछा। शायद आपका ही बच्चा होगा, टॉफी लेने के लिए आया था मेरे पास, उसने यह नोट मुझको दिया था। कहते हुए पान वाले ने 100 का एक नोट मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं चौंका, ये 100 का नोट मेरी कमीज में की जेब में था। देखा जेब खाली है, लगता सोनू ने मेरी जेब से चुपचाप 100 का नोट निकाल लिया। टॉफी के कितने पैसे हुए? सिर्फ 50 पैसे, फिर कभी ले लेंगे। यह कहकर कचर कचर पान चबाते हुए वह मुस्कुराया। दूधिया मुस्कान से उसका चेहरा नहा उठा। अच्छा बाबू साहेब प्रणाम, कहकर वह लौट गया। मैं स्वयं को इस समय बहुत हल्का महसूस कर रहा था। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा। पूर्व धारणाओं के बीच हम कैसे जीते हैं और कैसे वो खंडित होती है, उसका बहुत सशक्त। बहुत सुंदर। जी अब हमारी अगली लघु कथाकार श्री भुवनेशी पांडे जी। नमस्कार। भुवनेशी पांडे जी हिंदी राइटर्स गिल्ड की सक्रिय सदस्य, टोरंटो की वरिष्ठ कवित्री हैं। इनकी अग्नि, डायल मी माधव तथा बाल गीतों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
कहानियां, कविताएं, लेख, संस्मरण और हाइकु आदि लिखने में रुचि रखती हैं। इनकी सहज सरल कविताएं मन को छू जाती हैं। सामाजिक कार्यों से जुड़े होने के साथ साथ ये पूर्ण रूप से इस कौन से भी जुड़ी हुई हैं। मैं अब आग्रह करूंगी कि भुवनेश्वरी पांडे जी अपनी एक सुंदर सी लघु कथा का पाठ करें। एक बार फिर से नमस्कार और धन्यवाद कृष्णा जी मुझे निमंत्रित देने करने का। मैं अपनी एक लघु कथा पढ़ती हूँ जिसका शीर्षक है मूंगफली की बोतल। कल हम वॉलमार्ट स्टोर पर खड़े थे, सामान चेक करने वाली लाइन पर, विशेष रूप से जहां खड़े होने के चिन्ह जमीन पर छपे हुए थे। कोरोना काल होने के कारण सभी लोग निश्चित दूरी पर ही खड़े थे। सुबह का समय था, शांति थी। हमारे आगे के और आगे जो एक नया जोड़ा सामान का मूल्य देने के लिए खड़ा था, नव दंपत्ति लग रहा था, क्योंकि लड़की ने एक हाथ में शादी के जोड़े वाली लाल सफेद चूड़ियां डाली थी। उन लोगों ने जूते, कंबल, कुछ ऊनी कपड़े और दीगर सामान ले रखा था। काउंटर के पास दोनों तरफ च्युइंगम, चॉकलेट, पत्रिकाएं, काजू, मूंगफली, नमकीन आदि शेल्फ में रखे हुए थे। वक्त लग रहा था तो नव विवाहिता ने एक मूंगफली नमकीन की बोतल उठा ली, बड़े प्यारे अंदाज से पति से कहा, हमें ये बहुत अच्छी लगती हैं, ले लें, तुम भी खाओगे ना। फिर कुछ धीरे धीरे स्वर में बातें हुई, लड़की ने बोतल फिर से शेल्फ में रख दी। फिर उसने हनी कोटेड मूंगफली की बोतल उठाई, घुमाई और ललचाई नजरों से पति की ओर देखा। पति ने बड़ी लापरवाही से फोन पर किसी से बातें करना आरंभ कर दी। लड़की बोतल लिए पति की अनुमति चाहती रही, तब तक उनकी पैसे चुकाने की बारी आ गई। लड़का सामान आगे करने लगा, स्क्रीन पर नजर डाले रहा। लड़की ने हार कर मूंगफली की बोतल वापस उसी शेल्फ में रख दी। ऐसा करते हुए उसकी और मेरी आंखें टकराईं। उसने संभलते हुए बालों को संभालने की कोशिश की और पति के पास चली गई, जो बैग में अब सामान रख रहा था। धन्यवाद। छोटी सी कहानी में बहुत अच्छी टचिंग है। स्त्री के दुख को आपने बहुत बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। छोटी सी मूंगफली की बोतल की इच्छा लिए हुए और उस इच्छा को मार कर वो स्त्री चली गई। अभी नववधू नववधू स्त्री होने का और प्रवासी स्त्री होने पर क्या पराधीनता का भाव आ जाता है स्त्री में और भी अधिक आ जाता है, वो उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? अच्छी लोक कथा है, क्योंकि पति तो कुछ बोला नहीं, कुछ संवाद नहीं है, लेकिन कुछ रचना ऐसी होती है कि संवाद न होते हुए भी सांकेतिक संवाद होता है। फोन पर बात करना उन्होंने शुरू कर दिया, फोन उनके लिए महत्व था, पत्नी की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया, वो क्या कह रही हैं। हाँ नहीं कहा तो उस बेचारे ने वो बोतल नहीं उठाई, रख दी वापस। पहली बार जो फुसफुसा कहा तो क्या कहा होगा, तुम भी खाओगे, हो सकता कह दिया मुझे बिल्कुल नापसंद है। अब नापसंद है तो बेचारी उसको कैसे ले जाएगी घर। तो निश्चित रूप से इसमें अनुमान लगाना पड़ेगा, क्या कहा होगा। यही कहा होगा मुझे अच्छी नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है, फिर वहां रखेगी। अगर वो कहे मुझे तो बढ़िया लग रही है, वो बोतल को रख लेती। लेकिन यहाँ पति ने क्या कहा लेखिका ने ये बताया नहीं, तो बताना जरूरी नहीं होता, संकेत से काम चल गया, फालतू शब्द की जरूरत नहीं यहाँ पर। और जो नजरें टकराई वो भी एक संकेत है, वो बाल वो अपना ध्यान दूसरे पर बटाने के लिए बालों को ठीक करने लगी या संवारने लगी, वो एक अलग अलग तरफ ध्यान चला गया उसका, ले जा रही जबरदस्ती, कि लगता जैसे उसको कुछ परेशानी नहीं है, परेशानी है उसको, लेकिन वो परेशानी दूसरों को नहीं दिखाना चाह रही ना। दूसरों को दिखाना चाहती है, लेकिन परेशानी में व्यक्ति का कभी हाथ सिर पर जाएगा, कभी खुजलाएगा, कभी कुछ करेगा, उसके भाव कहने के दूसरे ढंग से व्यक्त होते हैं बिना कहे भी। जी जी। तो भाषा संकेतों की नहीं होती है, शब्दों की नहीं, संकेतों की भाषा होती है, वो यहाँ पर इस्तेमाल की इन्होंने, अच्छी बात है। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका, अच्छी रचना पड़ी।
जी अब आगे चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर शैलजा सक्सेना, उनका परिचय देते हुए। डॉक्टर शैलजा सक्सेना हिंदी राइटर्स गिल्ड की सह संस्थापक निर्देशिका हैं तथा विश्व रंग कैनेडा की कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं। 2014 में हिंदी राइटर गिल्ड के प्रकाशन से इनका काव्य संग्रह क्या तुमको भी ऐसा लगा कनाडा से प्रकाशित हुआ और दूसरा संस्करण भारत में अयन प्रकाशन द्वारा। शैलजा जी हिंदी साहित्य सभा तथा साहित्य कुंज में साहित्यिक परामर्शदाता के रूप में जुड़ी हुई हैं और हाल ही में इन्होंने कुछ विशेषांकों का संपादन कार्य भी किया है। कविता, कहानी, लेख, लघु कथा और हाइकू जैसी विधाओं में लिखती हैं। कई वेब पत्र पत्रिकाओं, काव्य संग्रहों एवं कहानी संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कैनेडा टैग टीवी द्वारा साहित्य के रंग शैलजा के संग कार्यक्रम में हिंदी के साहित्यकारों से साक्षात्कार एवं हिंदी राइटर्स गिल्ड की फेसबुक पेज लाइव के माध्यम से दुनिया भर के साहित्यकारों को गिल्ड के मंच पर लाने का काम कर रही है। काउंसलेट ऑफ इंडिया ऑफिस एवं अन्य हिंदी की साहित्यिक संस्थाओं द्वारा कई सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। डांसिंग डैम्सर्स टोरंटो की संस्था के माध्यम से प्रोविंशियल सरकार द्वारा 2018 में वुमन अचीवर का अवार्ड भी प्राप्त किया है। इन्होंने न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में कनाडा का प्रतिनिधित्व किया। कनाडा में हिंदी साहित्य, कनाडा में नाटक लेखन और प्रस्तुति पर पत्र की प्रस्तुति भी की, कविता और कहानी सभा में भी प्रस्तुति थीम की। हिंदी राइटर्स गिल्ड में न केवल अंधा युग, रश्मि रथी, मित्रों मरजानी और अन्य नाटकों का निर्देशन किया बल्कि कई नाटकों में दर्शकों पर अपने अभिनय की अद्भुत छाप छोड़ी। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर शैलजा से कि वह इसी तरह से अपनी बहुत सुंदर जो ये लघु कथाएं लिखती हैं उनमें से एक लघु कथा आज हम सबके समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, बहुत सारी बातें परिचय में सुन के खुद भी अपने को हैरानी हो जाती है। सब कुछ सच है। आप सबके बीच आज उपस्थित होकर और लघु कथा प्रस्तुत करने का ये अवसर पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हिमांशु जी के सामने लघु कथा पढ़ना अपने आप में ही एक उपलब्धि होती है, क्योंकि उसके बाद हमें अपनी लघु कथा के बारे में जो तुरंत से सुनने को मिलता है, फीडबैक सही जो मिलता है वो बहुत अधिक दिशा दर्शक होता है। इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के सामने आज ये लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है दाह। दरवाजे पर कड़क तार खटखट का जवाब दीना को देना ही पड़ा। दरवाजा खोलने से पहले उसने एक लाचार नजर घर की औरतों पर डाली। अपने एक कमरे के इस झोंपड़े में वे सिर ढके अपने में कुछ और सिकुड़ गईं। क्या रे, सुना बेटी का दाहकर्म भी कर दिया? पुलिस के बड़े अधिकारी के स्वर में तीखापन था। पीछे मीडिया के लोग अपने माइक और कैमरे खोले सारे किस्से को दिखाने को आतुर। टोले वालों को छोड़कर गांव भर के लगभग 100 लोग जमा थे। इतनी जल्दी क्या थी? कितने लोग उसके दाह को पूरे देश को दिखाना चाहते थे जानते हो? पूरे देश की बिटिया थी वो, और तुमने अकेले ही सब चुपचाप कर दिया। साहब, 3 दिन बाद अस्पताल से शरीर मिला और कितने दिन रखते? बलात्कार और मौत की सब जांच हो तो गई थी। दीना ने सफाई दी। उसे देखने आने के बहाने जाने कितनी ऊंची नीची जातियों के लोग, नेता, ये कैमरे वाले, हमारे घर की लड़कियों, टोले की दूसरी लड़कियों और बहुओं का अपनी नजरों से बलात्कार कर रहे थे। उसे तो चलने नहीं दिया जा सकता था ना साहब, सो निपटा दिया सब। वो तो मर गई, पर बाकी को जिंदा लाश कैसे बना दें?
हमें नहीं बनाना इन्हें इस देश की बिटिया। उसके शब्दों की सच्चाई कांच की तरह कैमरे को चुभी और एकाएक स्क्रीन पर छुपती, सिमटती, तिसकती, शोक से बिलखती औरतों के चेहरों को लीलती मक्कार और लोलुप नजरें पल भर को झुक गई। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, बहुत अच्छा। क्योंकि जो मरने वाला है, दुर्गति में मर गया, उसको ठीक से मरने भी नहीं देते, और वो सबकी बिटिया हो जाती है। अगर वो सबकी बिटिया थी तो उसके साथ दुर्व्यवहार ही क्यों हुआ? जी, पहला प्रश्न आता है यहाँ पर। और भलाई लेने के लिए जो इस तरह के कर्मों में ही लिप्त रहते हैं, जिनको केवल टीआरपी चाहिए, वो वहां खड़े मिलेंगे। और तीन दिन तक लाश कैसे पड़ी रही, किस स्थिति में थी, उसको उसका प्रदर्शन वो लोग करते, तो क्या ये उचित था? लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि एक छोटी सी बात को या बड़ी बात को आप किस तरह से भुनाते हैं, आप उसकी मदद नहीं करते। इस तरह के लोग आकर के उस परिवार की बेइज्जती ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हर एक को लगता है कि मैं इस पर अपनी रोटियां सेकने से रह गया, चाहे राजनेता की रोटियां सेकती हूँ आकर के, चाहे मीडिया की हो, चाहे जो छिछोरे और घूमते रहते उनकी हो, फिर सब भले बन जाते उस देर के लिए। तो इसमें बहुत अच्छे ढंग से शैलजा जी ने ये बात प्रस्तुत की है, बहुत अच्छे ढंग से। बहुत ही सुंदर, बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। और अब मैं जो इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से संचालित कर रही हैं, हम सबको आगे लेके चल रही हैं इस सत्र में, उन कृष्णा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। कृष्णा जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और बहुत सुंदर लघु कथाएं लिखती हैं, तो उनकी लघु कथा के बिना यह सत्र पूरा नहीं होगा। कृष्णा जी का मैं परिचय देना चाहूंगी पहले कि कृष्णा जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि हाइकू, माहिया, सदोका, चौका जैसी विधाएं जो कि बहुत ही कम लोग लिखते हैं, और अच्छा लिखने वाले तो उन कम में भी बहुत कम है, उनमें है कृष्णा जी हमारी सबसे आगे। उनके अंबर बाजे पाती हाइकू संग्रह, जो कि कनाडा का पहला हाइकू संग्रह था, वो छपा, और फिर देहरी पर धूप सदोका संग्रह और बरसी सुगंध ताका संग्रह, ये दो अभी इसी वर्ष आए हैं। और बरसी सुगंध ताका संग्रह तो पूरे प्रवासी भारतीय साहित्य का पहला ताका संग्रह है। कृष्णा जी आपको बहुत बहुत बधाई, ये हमारे लिए बेहद प्रसन्नता और गर्व की बात है कि आपने इन विधाओं को इतना आगे विश्व पटल पर ला करके खड़ा किया है, इसके लिए आपको बहुत बधाई। और इसके साथ ही इनके इन तीन संग्रहों के साथ साथ, जो कि इनके स्वतंत्र संग्रह हैं, 10 संग्रह जो हैं ऐसे हैं कि जहाँ पे इनकी साझा कविताएं हाइकू, माहिया, सदोका, चौका, ताका छपी हैं, जैसे कि यादों के पाखी में हाइकू है, अलसाई चांदनी में सदोका है, उजास साथ रखना में चौका है, आधी आबादी का आकाश हाइकू संग्रह है जिसमें इनका इनकी भागीदारी है, पीर भरा दरिया माहिया संग्रह है, स्वप्न श्रृंखला हाइकू संग्रह, और लघु कथा अनवरत संकलनों में ये रचना लिख रही है, कर रही है। बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में, अमर उजाला से लेकर के साहित्य कुंज, लघु कथा .com और बहुत सारी पत्रिकाओं में इनका इनकी भागीदारी रहती है, छपती रहती है। इनको विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता प्रतियोगिता में 2013 में द्वितीय स्थान भी मिला है, और कनाडा का नाम किया इन्होंने ऊपर। प्रशस्ति पत्र भी इनको बहुत मिले हैं, और मुख्य है इनमें कि हिंदी प्रचारणी सभा और हिंदी चेतना के में काव्य साधना और हाइकू के लेखन पर इनको प्रशस्ति पत्र मिला है। इन्होंने अभिनय भी बहुत सुंदर किए हैं, यहाँ हिंदी राइटर्स गिल्ड से हमारे जो नाटक किए जाते हैं उसमें माँ की भूमिका इतनी सुंदर मार्मिक तरीके से कृष्णा जी निभाती हैं कि देखने वाले उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इन्होंने मित्रों मरजानी में, चीफ की दावत में इन्होंने काम किया है, इसके साथ ही जो मराठी का नाटक अनुवाद हुआ था धार का सुख, उसमें भी ये माँ थी, और भी कई नाटकों में इन्होंने काम किया है। और ये हिंदी चेतना जो पत्रिका पिछले 27 वर्षों से कनाडा से निकल रही है उसकी सह संपादिका है, निरंतर कलम इनकी चलती है, लिखती रहती है,
और इसके कारण ही पूर्वा जो एक डॉक्टर पूर्वा शर्मा है गुजरात से, उन्होंने प्रवासी हाइकुकारों पर, सरहद के पार हाइकुकारों पर एक अपना शोध ग्रंथ लिखा है, काम किया है उनका, यूनिवर्सिटी से उनका ये शोध ग्रंथ निकला था, जिसमें 4 प्रवासी हाइकुकारों को उन्होंने लिया था। उसमें हमारी कृष्णा जी भी के हाइकू पर उन्होंने विशेष चर्चा करी, तो 4 हाइकुकारों में कृष्णा जी भी एक हाइकुकार थी, जिस पर पूरा विस्तृत शोध काम पूर्वा जी ने किया। तो ऐसी बहुत ही अधिक लिखने वाली, काम करने वाली, समीक्षाओं से लेकर के हाइकू तक, मतलब समीक्षा मैंने शब्द इसलिए जानबूझ के कहा क्योंकि विस्तृत होती है, और हाइकू की 5-7-5 तक, इन सब चीजों को समेटने वाली कृष्णा जी का हम इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको कुछ कहा ज्यादा ही कह दिया उसके लिए, और मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ अपनी एक लघु कथा आप सबके समक्ष रखती हूँ, जिसका शीर्षक है छुटकारा। डेंगू की चपेट में आई मंगला अब बीमारी से आखिरी सांस तक लड़ती रही, पर होनी कब टलती है? वही हुआ जिस बात की चिंता मंगला की आंखों में अंतिम पल तक बनी रही। कैसे जिएगी उसकी 7 बरस की प्यारी सी गुलबिया उसके बिना? नकारा विश्वा तो पहले से ही घुटनों घुटनों कर्ज में डूबा हुआ है, और आज तो उसकी दुनिया ही अंधेरी हो गई। मंगला थी तो 2 जून की रोटी नसीब हो रही थी। फूल सी गुलबिया उसे अचानक पहाड़ सी दिखने लगी। बस यही सोचकर वह बेहाल हो जाता था कि कुछ ही बरसों में ताड़ सी बढ़ जाएगी, कैसे संभालूंगा सब अकेले? इस बोझ से मुक्ति पाए इस सोच में दिन रात वे बेचैन रहता। एक सुबह हिम्मत जुटाकर उसने कस्सी उठाई और गुलबिया को साथ लेकर निकल पड़ा जंगल की ओर, कि आज इस झंझट से छुटकारा पाकर ही लौटूंगा। चलते चलते भूखे प्यासे माँ बाप बेटी दोनों बहुत थक गए। थकान के मारे विश्वा रास्ते में पेड़ के नीचे ढेर हो गया। थकी टूटी नन्हे गुलबिया पिता की थकान न देख सकी और अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके पांव दबाने लगी। थोड़ी देर सुस्ताकर दोनों फिर चल दिए जंगल की ओर। कुछ दूर पहुंचकर घने पेड़ों की आड़ में विश्वा कस्सी से गड्ढा खोदने लगा। पिता को हांफते और पसीने से भीगता देख भोली गुलबिया से रहा न गया, बोली, लाओ बापू मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तुम बैठकर थोड़ा आराम कर लो, मैं खोद देती हूँ। और अपने छोटे छोटे हाथों से पिता के माथे पर छलकता पसीना पहुंचने लगी। यह देखकर विश्वा का मन द्रवित हो उठा। उसने कुदाल वहीं फेंक, तड़प कर गुलबिया को सीने से सटा लिया और सोचने लगा, किस बात की सजा देने जा रहा हूं अपनी फूल सी कोमल बेकसूर बच्ची को, किससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस सुखद शीतल छांव से? धन्यवाद। बहुत सुंदर एकदम, बहुत सुंदर वाली रचना है कि जो भी इरादा लेकर के चला है जिस बेटी के लिए, उस बेटी को उसकी कितनी चिंता है, और ये चिंता ही उसके इरादों को बदल देती है। वो जो गड्ढा खोद रहा था जिसमें वो गिरने वाला था कुछ दुष्कर्म करके, उसको मार करके, तो वो नहीं कर पाता, और गड्ढे से निकलने का उसको अवसर भी बेटी नहीं दिया इसके लिए वो गड्ढा खोद रहा था। और ये छुटकारा शीर्षक भी द्व्यर्थी है, वो छुटकारा पाना चाहता था बेटी से, लेकिन उसको छुटकारा तो अपनी अपराध भावना से भी मिल गया क्योंकि उसने वो कार्य किया नहीं, इसलिए शीर्षक भी इसका सटीक है और लोक कथा के साथ पूरी तरह न्याय किया गया है। और शीर्षक क्योंकि इसको कवर करता पूरे रचना कर्म को, इसलिए शीर्षक भी बहुत कुछ बात कह जाता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक, सही है जी। लड़कियों को कुदरत, तो लड़कियां तो कुदरत का ऐसा तोहफा है जो बेटी बन के सुख देती हैं, और बहू बनकर इत्मीनान पर लोग समझते कहाँ हैं। आपकी रचना ने एकदम जो विडंबना है समाज की और मानसिकता की, उसको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। बहुत
आप सब लोगों की इन इतनी जो मार्मिक हृदय को छूने वाली रचनाएं हमको सुनने को मिली, उस सब के लिए मैं आपका बहुत ही अधिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और कृष्णा जी ने इस संचालन कार्य को संभाला, मेरे अनुरोध को इस बात को माना, उसके लिए मैं कृष्णा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। हिमांशु जी भाई साहब वहां से भारत से जुड़े और उन्होंने हर रचना के बारे में अपनी टिप्पणी दी, जिससे हमें और बाकी लोगों को भी, हमारे दर्शकों को एक प्रेरणा मिली होगी, दिशा मिली होगी, इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं है। विश्व रंग कैनेडा के अंतर्गत जो अन्य 9 सत्र दिखाए जाएंगे, उन सब में भी इसी प्रकार से हमारी बातचीत, हमारे यहाँ के कनाडा की प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, उनकी रचनाओं को उनसे बातचीत के माध्यम से दिखाया, प्रस्तुत किया जाएगा। और मुझे पूरी आशा है कि कनाडा का जो हमारा एक बहुत बड़ा ग्राफ है, जहाँ पे अनेक प्रतिभाशाली लेखक और कलाकार हैं, उनकी कुछ झलक हम आपको दिखा सकेंगे। समय की कमी हमेशा ही रहती है, इस कारण से सभी लेखकों को और सभी कलाकारों को दिखा पाना असंभव है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कनाडा में प्रतिभा कितनी अधिक है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व रंग कनाडा के माध्यम से हम आज दर्शकों से जुड़ रहे हैं, भारत से लेकर और विश्व के सभी दर्शकों के सामने हमारी इस प्रस्तुति को आप लोग मान देंगे, प्यार देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी का, भुवनेश्वर जी, हिमांशु जी, कृष्णा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से विश्व रंग भारत का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। सत्र 8। और भी विधाएं हैं कहानी के सिवा, सुनेंगे संपादकीय, आत्मकथा, यात्रा संस्मरण और व्यंग्य। संचालन कर रहे हैं विद्याभूषण धर, जो कि यहाँ के समुदाय में जाना पहचाना नाम है। टैग टीवी पर अनेक कार्यक्रमों को होस्ट करते हुए ये साहित्यकार भी हैं और कश्मीरी एसोसिएशन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी। हम सुनेंगे सुमन कुमार घई, श्याम त्रिपाठी, विजय विक्रांत और समीर लाल समीर जी को। आइए देखते हैं। विश्व के कोने कोने में बसे हिंदी प्रेमियों को सुदूर कनाडा से भरत मुनि वंशज विद्याभूषण धर का सादर प्रणाम। ये सत्र कहानी उपन्यास से हटकर लिखी जाने वाली विधाओं का सत्र होगा। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे संपादकीय लेखन पर, आत्मकथा पर, संस्मरण पर और व्यंग पर। आज के सत्र में हमारे मध्य हैं कनाडा में हिंदी की सेवा में लीन कुछ प्रबुद्ध व्यक्तित्व और आज हम चर्चा करेंगे इन चार विधाओं की। स्वागत करता हूं मैं आज के वक्ताओं का। श्री सुमन कुमार घई जी संपादकीय लेखन पर बात करेंगे, श्याम त्रिपाठी जी आत्मकथा पर बात करेंगे, श्री विजय विक्रांत जी संस्मरण पर बात करेंगे और श्री समीर लाल जी व्यंग्य पर बात करेंगे। मित्रों, मेरे साथ ये चार हस्तियां जुड़ चुकी हैं अंतरजाल के माध्यम से और मैं विद्याभूषण धर हृदय से आप सब महानुभावों का आज के सत्र में फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हस्ती जो है हमारे साथ वो है श्री सुमन कुमार घई जी, जिनका जन्म अंबाला शहर में हुआ भारत में। इनकी शिक्षा बीएससी पंजाब विश्वविद्यालय से हुई और तदुपरांत उन्होंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सीबीएसई कॉलेज कनाडा में। 1973 में सुमन जी भारत छोड़कर कनाडा आए। 6 वर्षों तक कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने के बाद 35 वर्षों तक पारिवारिक व्यवसाय में लगे रहे। इंटरनेट पर हिंदी के प्रारंभिक दिनों से पहले, बहुत पहले उसकी बात है, hindinest.com की वेबसाइट थी, उसका संपादन किया और बाद में अनुभूति अभिव्यक्ति में प्रकाशन में जुट गए। 2003 में साहित्य कुंज नेट की उन्होंने स्थापना करी। भारत और भारतेतर संकलनों, पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट की साहित्यिक पत्रिकाओं में कहानियां, कविताएं, समीक्षाएं और आलेख इत्यादि प्रस्तुत किए। लाश व अन्य कहानियां, ये कहानी संकलन एक ई पुस्तक है और पुस्तकबाजार.com द्वारा प्रकाशित की गई थी। संपादन में सुमन जी ने बहुत काम किया, साहित्य कुंज नेट पर का संपादक और प्रकाशन, पुस्तकबाजार.com का संपादन और प्रकाशन, कनाडा से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका हिंदी चेतना का 4 वर्षों तक सह संपादन किया। हिंदी टाइम्स जो एक साप्ताहिक पत्रिका है
ये कनाडा से प्रकाशित होती है। इसका 5 वर्षों तक प्रमुख संपादन किया सुमन जी ने। कनाडा से प्रकाशित 16 से अधिक साहित्यिक पुस्तकों का संपादन भी सुमन जी के करकमलों से हुआ। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के संस्थापक और निदेशक हैं। हिंदी साहित्य सभा कनाडा के भूतपूर्व महासचिव, अन्य हिंदी साहित्यों साहित्य से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में वक्ता और सत्र संचालन भी सुमन जी के हाथ होता रहा और आज सेवानिवृत्त हैं और पूर्णतया हिंदी साहित्य को समर्पित हैं। मैं सत्र का श्री गणेश संपादकीय विदा पर सुमन जी से चर्चा के साथ कर रहा हूं। सुमन जी आपका फिर से एक बार स्वागत है। सुमन जी हमारे दर्शकों को हम सबको बताएं कि संपादकीय का महत्व क्या है। देखिए संपादकीय के महत्व का एक तो यही पे मैं उदाहरण है सुजीव जीवंत कहिए। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में 2 चीजें गलत कह दी। hindinest.com और अनुभूति व्यक्ति के संपादन से मैं संबंधित नहीं था जी। पहली रचना hindinest.com में छपी और निरंतर छपते थे। फिर उसके बाद पूर्णिमा वर्मन जी ने अनुभूति अभिव्यक्ति शुरू की तो उन्होंने मुझे कनाडा के जिम्मेवारी सौंपी कि यहाँ के लेखकों का मैं वहाँ पे प्रकाशित करवाऊँ, जो कि मैंने टाइप करवा के करके किया। पर संपादन गलत है। देखिए संपादन की जो जिम्मेवारी है परिभाषा तो सभी जानते हैं। संपादक का दायित्व होता है कि वो वर्तमान से जुड़ा रहे, जो उस समय समाज में घट रहा उसका वो जिस भी माध्यम की पत्रिका का संपादन कर रहा है उसमें वो दिखना चाहिए और उसकी वो दिशा भी निर्धारित करे। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि पहले तो सिर्फ जैसे प्रिंट मीडिया ही था और उसमें भी दो हो जाते हैं, एक साहित्य हो जाता है एक समाचार हो जाता है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब इंटरनेट है उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो दायित्व अलग अलग हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम उसने चुना है। सुमन जी एक वो दौर था जब किसी भी मुद्दे या समस्या को समाचारों से हटकर कोई अगर इंगित करना चाहता था तो संपादक को पत्र लिखा जाता था। संपादक जागरूक नागरिक और एक आम नागरिक के बीच की कड़ी का काम करते थे। पर आज के दौर में समाज द्वारा केंद्रित ढंग से संचालित माध्यम जैसे फेसबुक ट्विटर इत्यादि, इन सबसे संपादकीय की प्रासंगिकता पर कितना असर पड़ा है? देखिए ऐसा है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। फेसबुक ये जैसे बोलते हैं क्षणिक मीडिया है, जब तक आपका कुछ भी प्रकाशित वहां पे आता है इतने में कोई दूसरा आपको पीछे कर देता है और उसके ऊपर जो लाइक्स वगैरह जो होती है उनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कई बार रचना को पढ़ने को आपको 5 मिनट लगते हैं पर लाइक का आपको 1 मिनट में मिलना शुरू हो जाता है जी। तो संपादन और उसमें संपादन तो होता ही नहीं, संपादन तो उसमें है ही नहीं, जिसके मन में जो आया उसने वो लिख दिया, तो इसलिए उसके साथ उसको नहीं आप गिन सकते। हाँ जो इंटरनेट के ऊपर वेब पोर्टल्स हैं जैसे hindinest.com है, अनुभूति अभिव्यक्ति है, मेरा साहित्य.net है और भी बहुत हैं, तो उनमें संपादन जो है वो होना चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि सब में होता है, क्यों नहीं होता है और पर उन्हें होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है वो है। तो धन्यवाद सुमन जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आज के बायस मीडिया के जमाने में संपादकीय रचनात्मक भूमिका कैसे निभा सकता है? अब इसमें फिर वो मीडिया की बात आ जाती है। जब संपादन की आप बात करते हैं वो बहुत बड़ा उसका व्यापक पटल है, क्योंकि मैं तीनों में संपादन का मैंने अपना दायित्व निभाया है। सबसे पहले तो मेरा संपादन जो है त्रिपाठी जी की छत्र छाया में शुरू हुआ, तो पहली बार इनके साथ जुड़ा ये संपादक और प्रकाशक हिंदी चेतना के अभी कर रहे हैं तो इनके साथ जुड़ा।
तो वहां से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और वो संपादन अलग था क्योंकि वो त्रैमासिक पत्रिका थी और साहित्यिक पत्रिका थी, तो वो फोकस जो होता है वो अलग होता है। और उसके बाद जब साहित्य.net हुआ, वो क्योंकि हर वो पाक्षिक पत्रिका थी उसका अलग हो गया, और उसमें प्रिंट मीडिया में आमतौर पर ये होता है क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम बड़ा स्लो होता है। अगर मासिक पत्रिका है तो आपका छपा हुआ एक महीना आएगा मिलेगा, और संपादन के लिए आपको उतना समय मिल जाता है। और जब पाक्षिक पत्रिका है या जैसे धर्मिक वगैरह साप्ताहिक थे, तो ये देखिए उनके आगे कितना बड़ा बड़ी चुनौती होगी कि एक सप्ताह में उन पर हजारों रचनाएं आती होंगी, तो उसका संपादन करना और उनमें से छांटना, कितना बड़ा वहां पे समूह होगा संपादन का जो कि उसको संपादित करता था, ये चुनौती अलग है। अब इंटरनेट के ऊपर जो आज के जमाने में, पुरानी बात तो अलग थी फॉन्ट्स वगैरह का, जब से यूनिकोड आया है अब उसमें जो अलग चुनौती ये है कि टाइपिंग जो है उसकी अशुद्धियां बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि हरेक जगह अब जो मोबाइल के ऊपर टाइप कर रहा है और बहुत से कीबोर्ड वो सही भी नहीं है, उसमें से कई चीजें मिसिंग है। और इवन जब मैं हिंदी चेतना में था, त्रिपाठी जी जानते हैं, हम ऐसा जानते हैं कि जो फॉन्ट हम उसमें प्रयोग कर रहे थे उसमें अड़ा के नीचे बिंदु नहीं थी, चंद्र बिंदु नहीं था, तो उसकी समस्या थी। तो यह कि हाँ मैं कर सका तो मैंने चार फॉन्ट बनाए और जो कि जिसमें हिंदी चेतना बाद में प्रकाशित होती रही, ST01 श्याम त्रिपाठी, त्रिपाठी जी के नाम पे था वो फॉन्ट। तो ये समस्या अब जो है, अब वो यूजर की समस्या है कि वो टाइप जब तक लोगों को समझ आ जाता है वो मात्रा लगाने की कोशिश नहीं करते, बिंदिया गायब होती जा रही है, आंख को आंख भी लिख दिया तो वो सोचते हैं कि चल जाएगा, अढ़ा के नीचे की बिंदी, अढ़ा के नीचे की बिंदी, वो तो आम बात है, नुक्ते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो ये संपादन की अब की चुनौती है जो कि सिर्फ इंटरनेट के ऊपर है, पर प्रिंट मीडिया में वो अलग है क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल प्रूफ रीडर होते हैं जो वो कर सकते हैं, जो इंडिया में होते हैं। और समाचार पत्र की बात अलग है, और विदेश और विशेषकर क्योंकि मैं प्रवास, हम प्रवासी कहलाते हैं, तो साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी टाइम्स में ये समस्या थी। उससे पहले जब मैंने शुरू किया संपादन का काम, स्थानीय समाचारों को जगह नहीं मिलती थी, उसमें होती नहीं थी, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान काम ये होता था इंडिया के अखबारों से आपने कॉपी पेस्ट किया, आपका समाचार पत्र तैयार है। और मुझे सबसे ज्यादा बात यह खटती थी कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हम वोट डालते हैं, सरकार को हम चुनते हैं, टैक्स हम यहाँ पर देते हैं, और जो जिन लोगों को हमने चुना, प्रतिनिधि चुना, वो जो निर्णय लेते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए मैंने ये निश्चय ये किया कि भारत के समाचार के अगर 3 पृष्ठ होंगे तो 3 पृष्ठ कनाडा के समाचारों के होंगे, जिसमें एक राष्ट्रीय होगा, एक प्रांतीय होगा और एक स्थानीय होगा। और फिर मैंने उसका साप्ताहिक संपादकीय लिखना शुरू किया, और हर संपादकीय 1000 से 1200 शब्दों का होता था, पूरा पेज होता था। उसमें मैंने ये भी मैंने नोटिस किया कि लोगों को यहाँ की सरकार का पता ही नहीं था, वो सिर्फ वोट देते थे कि ये भाई हमारे गुरुद्वारे का आदमी है, हमारे मंदिर का आदमी है, या हमारी जाति का आदमी है, वो कोई वोट करने का कोई बौद्धिक ढंग नहीं है। तो संपादकीय मेरा 3 भागों में बढ़ता था। पहले भाग में समस्या को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरे भाग में समस्या की पृष्ठभूमि क्या है,
और वो आपके लिए क्यों महत्व रखती है। फिर तीसरे भाग में ये होता था कि मेरा क्या विचार है, मेरा ओपिनियन क्या है, क्योंकि समाज के में होता है। ये दायित्व जो है प्रवासी समाचार पत्र का है। अब भारतीय समाचार पत्र की अलग बात है और बाकी बायस की जो आप बात करते हैं, मीडिया तो हमेशा से बायस रहा और हर एक देश में बायस है, किसी में वो प्रत्यक्ष है, तो ये बायस तो हमेशा से रहा है। पर इस संपादक के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो अपने पाठक वर्ग को समझे और उसको संतुलित करने का प्रयास करे। क्योंकि इस बार का जो मेरा वो है संपाद की, अगर वो पढ़ें यक्ष प्रश्न, साहित्य में आदर्श का आदर्श क्या है। हर एक पक्ष के दो पक्ष होते हैं, हम सब जानते हैं कि आदर्श क्या है, पर आदर्श भी प्रभावित होते हैं सामाजिक परिस्थितियों से, इतिहास से, भौगोलिक परिस्थितियों से, राजनीति से। तो फिर आदर्श का आदर्श क्या है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, समय काफी ले लिया मैंने। बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत शुक्रिया। हमारे अगले वक्ता हैं श्री श्याम त्रिपाठी जी। श्याम त्रिपाठी जी टोरंटो भारतीय समुदाय में एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व है एवं कनाडा में हिंदी की स्थापना करने में त्रिपाठी जी का बहुत योगदान। त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था, लेकिन अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में बीए और बाद में एमए की डिग्री अर्जित करी। त्रिपाठी जी ने 1964 में भारत छोड़ने से पहले दिल्ली में अमेरिकन दूतावास और अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में संक्षिप्त रूप से शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 1975 में कनाडा में बसने से पहले गयाना के साथ साथ इंग्लैंड में अध्यापन का कार्य भी किया। यहाँ कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय में अपनी बीएड की डिग्री पूरी करने के बाद टोरंटो में है उन्होंने स्कारबरो शिक्षा बोर्ड के साथ फिर से एक बार अध्यापन का दायित्व निभाया। त्रिपाठी जी हमेशा अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहे। 70 के दशक की शुरुआत से ही उन्होंने कनाडा में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। स्कारबरो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में पहले और फिर बाद में 70 के दशक में अन्य स्कूल बोर्डों के लिए हिंदी इवनिंग कक्षाओं को लागू करने और कनाडा की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। इनके प्रयास से हिंदी भाषा को कनाडा में वो स्थान विशेष मिला जो हम आज देख रहे हैं। वर्तमान में श्री त्रिपाठी हिंदी चेतना जो एक वैश्विक पत्रिका है इसके संपादक के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी चेतना को उत्तरी अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रिका घोषित किया गया था, जिसके लिए त्रिपाठी जी को 2007 में भारत सरकार द्वारा अक्षर हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। त्रिपाठी जी के काम को दुनिया भर में कई प्रसिद्ध पत्रिकाओं और पुस्तकों में प्रकाशित और सराहा गया। जिस विधा पर मैं आज त्रिपाठी जी से बात करना चाहता हूं वो आत्मकथा है। मित्रों, साहित्य में आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं। ये संस्मरण से मिलती जुलती लेकिन भिन्न है। जहां संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज परिस्थितियों व अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहां आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। इससे आगे मैं ना बोलते हुए मैं त्रिपाठी जी को हमेशा आदर के साथ मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे अपार हर्ष के साथ गौरव की अनुभूति हो रही है क्योंकि श्याम त्रिपाठी जी कनाडा में साहित्यकारों में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्मकथा लिखी है। त्रिपाठी जी, विश्व रंग के स्तर में आपकी लिखी बहुचर्चित आत्मकथा सूखे आंसू के बारे में बात करता हूं। हम में से कई पाठक इसे पढ़ने का सुअवसर मिला है हमें। मेरी आपसे विनती है कि अपनी इस रचना के कुछ अंश हमारे दर्शकों के आनंद के लिए अपने मुखारविंद से पढ़कर सुनाएं। यूं तो कई एक अंश हैं, लेकिन ये मैं ज्यादा जरूरी समझता हूँ। हाई स्कूल पास करने के बाद मुझे कॉलेज जाना था और इसके लिए मुझे बहुत सी तैयारी करनी थी। अब सारी बात जो थी वो गुप्त नहीं रखी जा सकती थी। माता जी ने एक दिन सत्यनारायण की कथा रखवाई और उसके बाद घोषणा की कि मैं हाई स्कूल पास किया हूँ, अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कॉलेज जाना होगा। इस बात को सुनकर मेरे घर में तो भूचाल आ गया। मेरे फूफा जी ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे? तो मेरी माँ ने तुरंत उत्तर दिया कि मेरा एक बेटा है, मैं इसकी पढ़ाई के लिए कुछ भी करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी सारी ज़मीन और अपने गहने बेच दूँगी। ये बात सुनते ही सबके कान लाल हो गए। मेरे फूफा जी नाक भौं चढ़ाकर बाहर निकल गए। अब मेरे मन में बहुत डर था कि कहीं ये लोग मेरी माँ के साथ कोई खतरनाक चाल ना चले।
मुझे जिस दिन वहाँ से निकलना था उस दिन मेरा नौकर बैलगाड़ी लेकर आया और उसने मेरा सामान गाड़ी में रख दिया और नौकर ने कहा, भैया चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ कुमाऊँ के बस स्टॉप पर जहाँ से मुझे बस लेनी थी शाहजहाँपुर के लिए और फिर वहाँ से बरेली की ट्रेन। सभी लोग दरवाजे से मुझे देख रहे थे। मेरी छोटी बहन शकुंतला जो अब संसार में नहीं है फूट फूट कर रो रही थी। मेरी माताजी छत के ऊपर खड़ी हुई थी। मैं उन्हें गाड़ी से देखता रहा और जब गाड़ी बहुत दूर पहुंच गई तो मुझे उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी तो मैं बहुत व्याकुल हुआ। ये मेरा पहला अवसर था जब मैं अपनी माँ से इतने लंबे समय के लिए दूर जा रहा था। मैं आधे रास्ते तक पहुँचा कि मैंने गाड़ी वाहन से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। उसने गाड़ी को मोड़ा और मुझे आधे रास्ते से घर ले आया। माँ मुझे वापस देखकर बहुत हैरान हुई। फिर सारा सामान उतारा गया और एक दिन के लिए मैं और रुक गया। लेकिन दूसरे दिन जाना निश्चित था। फिर वही समय आ गया और सारी प्रक्रिया वैसी ही चल पड़ी। मेरे रास्ते के लिए मेरी माँ ने फिर कचौड़ियाँ और आलू की सब्जी बनाई और फिर गाड़ी में लेकर मुझे चला गया। इस बार मैंने माँ को फिर छत पर खड़े हुए देखा लेकिन मैंने अपने मन को पक्का करके ध्यान दूसरी ओर लगाया। बरेली में एक कॉलेज में पहुंचकर मैं अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया और अपना काम मेहनत से कर रहा था। माँ को मुझे बहुत याद आती थी। अभी 2 महीने ही बीते थे कि एक दिन अचानक गांव से तार आया जिसमें लिखा था कि माताजी की मृत्यु हो गई है। मेरी समझ में नहीं आया कि किसकी माताजी। वास्तव में मेरी बुआ जी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी तो मेरे दिमाग ने कहा कि शायद बुआ जी चल बसी। खैर फिर भी मृत्यु तो मृत्यु ही है। मैं रात की गाड़ी से निकल पड़ा और जैसे तैसे दूसरे दिन दोपहर के बाद अपने गांव के पास पहुंचा। रास्ते में कई लोग मिले लेकिन किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर में एक धोबिन जो ताल में कपड़े धो रही थी मुझे देखकर मेरे करीब आई और रोने लगी और बोली, बिटवा तेरी माँ नहीं रही। ना जाने किस तरह बेचारी मर गई। बड़ी नेक औरत थी। मैं उसकी बात सुनकर पागल सा हो गया और मेरे मन में अनेक विचार आने लगे। साहस जुझाकर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा सब घर वालों ने मेरी बहन को डांट कर रखा हुआ था और उससे कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं बताया जाए। मुझे कुछ दाल में काला नजर आया क्योंकि घर में बड़ी शांति थी। मेरा संदेह बढ़ता जा रहा था। मेरे धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। मैंने फूफा जी से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा उनकी लाश कहाँ है। वे बोले कि उनका दाह संस्कार हो चुका है। मैंने उनसे क्रोध में बोला कि आपने मेरी माँ का दाह संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया। आपने मेरा एक दिन भी इंतजार क्यों नहीं किया। मैंने इसके बारे में सभी घर वालों से पूछा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। ये बात मेरे मन से कभी भी अलग नहीं हुई। मुझे माता जी के अंतिम क्रिया करने के लिए वहाँ 2 हफ्ते ठहरना था। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे घर एक शमशान भूमि है। पास पड़ोस के लोग मुझे जानते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी मुझे बतलाने से डरते थे लेकिन फिर भी मुझे सच्चाई का आभास हो गया क्योंकि मैंने अपने पिताजी की जहर देकर मृत्यु के विषय में बहुत पहले सुन चुका था। उस समय मैं बहुत छोटा था, ना समझता। मन में मेरे बहुत से विचार आ रहे थे कि इन माँ के हत्यारों की किस प्रकार से मैं जान लूँ अर्थात किस प्रकार से इनसे बदला लूँ। फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया, कहा कि भैया समझ से काम लो। हम दोनों यहाँ से बरेली चलते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम पढ़ाई करना और मैं नाना नानी के साथ रहूँगी। हमने तैयारी की और एक सप्ताह के बाद वहाँ से ऐसे निकले। फिर मैं उस गाँव को दोबारा नहीं गया। ये एक अंश है जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। त्रिपाठी जी, आत्मकथा आपको लिखना क्यों जरूरी लगा और इस विधा की क्या आवश्यकता लगती है? ठीक है, मैं आपको उत्तर देता हूँ कि इसके लिखने के पीछे मेरे कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि मेरा दुखमय संघर्षपूर्ण जीवन और जो मुझ पर बीती, मैंने किस प्रकार इन संघर्षों का सामना किया, मैंने जीवन से क्या सीखा, किस प्रकार मानवीय आदर्शों के सिद्धांतों पर चलकर इतनी लंबी यात्रा मैंने पूरी की। सदा ही सहनशीलता, सहानुभूति, आत्मसमर्पण, आत्मविश्वास और धैर्य के सहारे सदा ही अपने पथ पर अडिग रहा।
और जीवन के इस लक्ष्य पर पहुंच सका। मुझे आशा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी, विशेषकर उन नौजवानों को जिनका भाग्य विधाता ने अश्रुओं से लिखा है। मेरा दूसरा उद्देश्य था कि मनुष्य का भाग्य सदा एक सा नहीं रहता। मेरे जीवन में दुख के बादल छाए हुए थे, जो संघर्ष भाग्य में लिखा था वो समय के साथ बसंत की तरह सुख में परिवर्तित हो गया। कहाँ मैंने बचपन में सब कुछ खो दिया था, आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मनुष्य को जीवन में आशावादी होना चाहिए। मेरा तीसरा उद्देश्य था कि मैं परिवार का एक अंतिम वारिस हूँ। मेरी पत्नी कीनिया से है और मेरे बच्चे कनाडा में पैदा हुए हैं। मेरा परिवार जो विदेश की धरती पर मुझे मिला, मेरे बच्चे और उनके बच्चे मेरी जड़ों और मेरे अपने दादा दादी के बारे में पूछते हैं, तो ये पुस्तक मेरे परिवार के लिए एक धरोहर होगी। मेरा चौथा उद्देश्य था कि विदेश की धरती पर जहाँ पक्षपात रंग भेद के बीच रहकर एक प्रवासी को मुख्य धारा के साथ जोड़कर सफल होना, आ हिंदी देश में हिंदी की ज्योति जगाना, हिंदी चेतना जैसी पत्रिका को विश्व पटल पर पहुंचाना और समाज के अनेकों समुदायों को मार्गदर्शन देना, ये स्वयं में ऐसे कदम हैं जो मील के पत्थर के समान हैं। ये पुस्तक प्रवासियों के लिए मेरे अनुभवों से अवगत कराएगी और उन्हें प्रेरणा सूत्र होगी। मेरा पांचवा उद्देश्य, हिंदी चेतना के संपादक होने के नाते सौभाग्य से विश्व के कोने कोने में मेरे शुभचिंतक, हिंदी के महान साहित्यकार जो हमारे प्रेरणा सूत्र हैं, वे मेरे विषय में वो कुछ नहीं जानते। उनके आग्रह पर मैंने ये उनके लिए भेंट प्रदान की है और उनका आभार प्रकट किया है। और छठा उद्देश्य मेरा ये है कि आत्मकथा लोग क्यों लिखते हैं, ये एक पुरानी साहित्यिक परंपरा है। लेखक अपने विषय में स्वयं लिखकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से सत्य की कसौटी पर रखकर हर शब्द लिखने का प्रयास करता है। मेरा ये नन्हा सा प्रयास है, मेरा विश्वास है जो इसे पढ़ेगा उसका आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा। मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी और कोशिश में कभी कोई कसर नहीं की। मेरा आखिरी उद्देश्य, इस कथा को लिखने का उद्देश्य ये था कि हृदय के आंतरिक भावों को समेटकर मैं अपने हृदय को शांत और सुख को संतोष देना था। बार बार अतीत को याद करके जो पीड़ा होती थी अब वो समाप्त हो गई। आखिर मैं उपनिषद के दो शब्द कहना चाहूंगा। उपनिषद में कहा गया है कि बैठे हुए का भाग्य बैठा रहता है, खड़े होने वाले का सौभाग्य खड़ा हो जाता है, पड़े होने वाले का सौभाग्य पड़ा रहता है और उठकर चलने वालों का भाग्य चल पड़ता है। इसीलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। त्रिवाड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आत्मकथा मील का पत्थर है कनाडा के साहित्य जगत में। मैं आपका आभारी हूँ, आपने अपने विचार हमारे साथ प्रकट किए, बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे अगले वक्ता हैं विजय विक्रांत जी। विक्रांत जी व्यवसाय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आप 1965 में कनाडा से मैं कंसल्टिंग प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पर मॉन्ट्रियल, एल सल्वाडोर, नोवा स्कोशिया, ईरान, सस्काचुआन, नाइजीरिया और डेरी में परिवार सहित रहने के साथ साथ कनाडा के कई अन्य प्रांतों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंसल्टिंग टीम में काम कर चुके हैं। विक्रांत जी कॉलेज के समय से ही हिंदी और उर्दू भाषाओं में कविता, कहानी, आलेख, नाटक आदि में रुचि रखते थे। आपकी रचनाएं हिंदी चेतना, हिंदी टाइम्स, विश्वा, वे पत्रिकाएं साहित्य कुंज उदंती तथा पुस्तक रूप में प्रवासी काव्य और काव्योत्पल संकलन में छपी हैं। विश्व हिंदू परिषद कनाडा, हिंदी साहित्य सभा तथा हिंदी राइटर्स गिल्ड के आप सह संस्थापक निर्देशक रहे हैं। 1974 में नोवा स्कोशिया के पहले हिंदी रेडियो स्टेशन CHFX FM के सह संस्थापक मेंबर के साथ साथ आपने 3 साल तक हिंदी प्रोग्राम का संचालन भी किया। सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड प्रोफेशनल्स के डायरेक्टर के नाते सन 2000 से अधिक सेवानिवृत्त इंजीनियरों के स्वास्थ्य संबंधी इंश्योरेंस क्लेम में उनकी सहायता करना अब भी जारी है और आज भी हिंदी की सेवा में निरंतर उनका सफर जारी है। आज हम बात करेंगे संस्मरण की। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मारक निबंध कहा जा सकता है। व्यापक रूप से संस्मरण आत्मचरित्र के अंतर्गत लिया जा सकता है।
किंतु संस्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। अब मैं संस्मरण के बारे में ज्यादा ना बोलकर विक्रांत जी को आमंत्रित करता हूं। मित्रों, अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, A cat has nine lives, जो विक्रांत जी की जीवन पर पूरी तरह लागू होती है। इनकी सब यादों को इन्होंने जाकोरा के साइया नामक संस्मरण में संजोया है। आज इन्हीं के मुंह से एक घटना वो आपके साथ साझा करेंगे। विक्रांत जी, वो ट्रेन वाला संदर्भ जो है आप दर्शकों के साथ साझा करें। विक्रांत जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या, और आप सबका स्वागत है। जैसा कि विद्या ने बताया है कि जैको राके साइया, ये मेरे साथ इतनी घटनाएं गुजरी हैं कि शायद मैं आपके पास होता भी नहीं, लेकिन कुछ वक्त की बात है कि हर किसी से मैं निकल आया हूँ। लेकिन ये घटना जो मेरे साथ बीती थी, इसको ये कभी नहीं भूलूंगा। इसका शीर्षक दिया है मैंने, चाय का दूध बहुत महंगा पड़ा। बात पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की है। कॉलेज की प्रथा के अनुसार हर साल इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी 3 हफ्ते के लिए कलकत्ता और आसपास के इलाकों में भारत दर्शन के लिए जाते थे। घूमने के साथ साथ इंजीनियरिंग संबंधी स्थानों का दौरा बहुत शिक्षाप्रद होता था, और यही इस टूर का मुख्य उद्देश्य था। 1961 में हमारी कक्षा की बारी थी, और ये जो आपको सुना रहा हूँ ये 1961 की बात है। हमें घर छोड़े हुए 1 सप्ताह हो चुका था और ट्रेन की बोगी ही हमारा बसेरा थी। सुबह का समय था और सब कुछ चाय की तरफ उठ रही थी। हमारे पास चाय के लिए सब कुछ था, मगर दूध नहीं था। थोड़ी देर के लिए एक छोटे स्टेशन गोहमो पर गाड़ी रुकी। मैं उतरकर दूध की तलाश में काफी आगे आ गया था। दूध तो मिल गया, मगर इसी बीच गाड़ी चल पड़ी। मैं किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था, फिर सोचा क्यों ना अपने डब्बे में ही चढ़ूं, क्यों ना अपने डब्बे ही नहीं फिर सोचा क्यों ना अपने ही डब्बे में चढ़ूं। अपने डब्बे के मेरे पास पहुंचते पहुंचते गाड़ी चाल पकड़ चुकी थी। मैंने दौड़कर चढ़ने की कोशिश की। डब्बे का हैंडल तो मेरे हाथ में आ गया, पर पांव तख्ते पर ना पड़कर हवा में लटक गए। स्टेशन का प्लेटफॉर्म अभी खत्म नहीं हुआ था, पसीने से मेरे हाथ फिसलते जा रहे थे और मैं अपना संतुलन खोता जा रहा था। धीरे धीरे मेरे हाथ फिसलते गए और मैं नीचे जाने लगा। एकाएक मैंने अपने को प्लेटफॉर्म और रेल की पटरी के बीच में लेटा पाया। रेल का पहिया मेरी आंखों से कोई 2 इंच दूर था और खटखट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शौचालय के पाइप ने तो मेरे कंधे को घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पता नहीं क्यों और कैसे मैं एकदम ऐसे ही पड़ा रहा और जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं हिलाया। कितना समय बीता मुझे इसका कोई आभास नहीं। जब थोड़ा तो होश आया तो देखा कि गाड़ी मेरे ऊपर से गुजर चुकी है। उधर मित्रों ने मुझे देखकर फौरन चेन खींचकर गाड़ी रोक दी। कहां तो मित्रगण सोच रहे थे कि मेरे शव को देखेंगे, और कहां मुझे ये भी देखकर और स्वयं खड़ा देखकर सब चकित हो गए। डांट के साथ साथ सबने सवालों की एक बौछार लगा दी। उन सब के किसी भी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी चल पड़ी और हम बोकारो पहुंच गए। वहां अस्पताल में वर्म पट्टी कराई। बाकी की यात्रा काफी शारीरिक कष्टों में बीती। कुछ दिन बाद हम चंडीगढ़ वापस आ गए। वापस आने पर ये बात ना तो मैंने किसी को बताई, और मित्रों से ये भी कह दिया किसी से बात मत करना। किसी ना किसी तरह से ये बात मेरे पिताजी तक पहुंच गई। कुछ दिन बाद घर मिलने जब मैं अम्बाला आया तो माताजी और पिताजी को सारा किस्सा बताया। सब कुछ सुनकर दोनों कुछ नहीं बोले। उनके दिल पर इस समय क्या बीत रही थी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। रेल चक्र बन आए यम, लेने मेरे प्राण, अभी नहीं आज्ञा मिली, छोड़ो इसकी जान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विक्रांत जी, आप मुझे लगता है पूरे विश्व में आप कितने सारे शहरों में घूमे हैं, आपने प्रवास रहा है,
तो जाहिर है कि भिन्न भिन्न स्थानों की बहुत सारी यादें आपके साथ रही होंगी, और जैसा मुझे पता चला है कि आपने इन कुछ यादों को अलग अलग मालाओं में पिरोया भी है। आज उन्हीं कुछ लम्हों को हम आपके साथ तरोताजा करेंगे। आपकी ईरान में आप प्रवास किया है आपने, तो आप दर्शकों के साथ अपने कुछ यादें आप साझा करें। ईरान एक ऐसी जगह थी जहां जब मेरा ट्रांसफर हुआ वहां पर, तो ये सोच के मैंने कहा हिंदुस्तान के नजदीक होंगे, मैंने उसको फौरन एक्सेप्ट कर लिया था, और मुझे इस चीज का कोई गिला नहीं। आज भी मुझे ईरान जाने के लिए कहते इन हालात में, तो मैं अभी तैयार हो जाऊंगा जाने के लिए। वहां जाकर बहुत कुछ सीखा। 1976 में काम के सिलसिले में परिवार सहित मेरा तबादला ईरान का हो गया। वहां मुझे 3 साल रहने का मौका मिला। इसी दौरान मैंने वहां के घर, वहां की बिल्डिंग, लोग कैसे रहते हैं, समाज कैसा है, इन सब को देखने और समझने की कोशिश की, और उन सब कोशिशों के फूलों को मैंने अपनी किताब यादें ईरान की में माला बनाकर समेट लिया। इस पुस्तक का कुछ हिस्सा गर्भनाल पत्रिका में छप चुका है और ये किताब के रूप में प्रकाशन के लिए भी तैयार है। क्रांति, सबसे बड़ा जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था वो क्रांति का हुआ था वहां पर जिस वक्त, और उस जमाने में मैंने इस क्रांति को पूरे जोबन के ऊपर देखा था, मैं वहीं पर था। क्रांति से पहले ईरान कैसा था और उसमें लोग कैसे रहते थे, क्रांति के जीवन पर उनके और हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए, उस जीवन को सबने जैसा जिया उसको मैंने बताया है। बहुत से तीज त्यौहार हैं ईरान के जिसके बारे में हमको अधिक पता नहीं है कि लोग कैसे उनको मनाते हैं, इसका भी जिक्र पुस्तक में किया गया है। शाह ईरान और वहां की राजनीतिक संस्था के बारे में, स्थितियों के बारे में एक जिज्ञासा कि ईरान मुस्लिम देश होने के कारण किस प्रकार के लोग वहां रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सब चीजों को जैसे मैंने देखा, समझा और जिया, उसको मैंने अपनी किताब में लिखा है। तो अभी पूरी मतलब छपी नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद ये अवेलेबल हो जाएगी। अब उसमें मैंने लिखा, नफरत के मोहरे अमीर अमरीकी, जलूसों का रोज निकलना और लूटमार करना तो अब आम बात हो गई थी। इन सब झगड़ों के दौरान अमरीकी दफ्तरों की हालत तो और भी पतली हो गई थी। अमरीकी दफ्तरों में जाकर उनका सारा सामान सड़कों पर फेंकना और आग लगाना तो जुलूस वालों का रोज का काम था। जैसे हम दफ्तर जाते थे और आते थे, किसी ना किसी दफ्तर में आग लगी होती थी, पता चला ये अमेरिकन का दफ्तर है। अब आप देखिए, कहां तो अमेरिकन और अमेरिकन का धमाका धमाकेदार बोलबाला था और खूब इज्जत थी, और कहां एकाएक इनके लिए बहुत जबरदस्त नफरत पैदा हो गई थी। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दिखाने के लिए कि हम अमेरिकन नहीं हैं, दूसरे देश के गोरे नागरिकों ने अपने बाजू पर अपने देश का छोटा सा झंडा लगाना शुरू कर दिया, और तो और दुकानदारों ने अमरीकी नागरिकों को सामान बेचने से इंकार कर दिया। तो जितने दिन भी रहे हमें ईरानियों से कोई परेशानी नहीं आई, और किसी किस्म की भी परेशानी नहीं आई। धन्यवाद विक्रांत जी, हमारी खुशी है कि आप अपने संस्मरण लिखें, और आपके आगे के कार्य के लिए हम आपको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी। हमारे अगले वक्ता हैं समीर लाल जी। सन 1999 में आप कनाडा आए और यहाँ टोरंटो नामक शहर में आपका निवास स्थान बना, और जो आज तक आप वहीं पे रह रहे हैं। आप कनाडा के सबसे बड़ी बैंक के लिए तकनीकी सलाहकार हैं, और पेशे के अतिरिक्त साहित्य के पठन और लेखन की ओर आपका रुझान है। सन 2004 से नियमित रूप से आप लिख रहे हैं। आप कविता, गजल, व्यंग, कहानी, लघु कथा, अनेक विधाओं में आपका दखल है, एवं कवि सम्मेलनों के मंच का एक जाना पहचाना नाम है टोरंटो और कनाडा में। भारत के अलावा कनाडा में टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ऑटवा, अमेरिका में बफलो, वाशिंगटन और ऑस्टिन शहर में आप कई मंचों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। आपका ब्लॉग उड़न तश्करी हिंदी ब्लॉग जगत का विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नाम रहा है, एवं आपके प्रशंसकों की संख्या का अनुमान मात्र आपके ब्लॉग और फेसबुक पर आई टिप्पणियों को देखकर लगाया जा सकता है। आपका लोकप्रिय काव्य संग्रह बिखरे मोती वर्ष 2001 में, एवं उपन्यासिका देख लूं तो चलूं वर्ष 2011 में शिमला प्रकाशन सीहोर के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला कथा संग्रह द साइड मिरर हिंदी कथाओं का संग्रह प्रकाशन में है और शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है।
आप सन 2006 में तर्कश सम्मान, सर्वश्रेष्ठ उद्यमान ब्लॉगर, हिंदी ब्लॉगर सम्मान, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी ब्लॉग वॉशिंगटन हिंदी समिति द्वारा साहित्य गौरव सम्मान सन 2009 में, परिकल्पना सम्मान 2010 में और पुनः परिकल्पना सम्मान 2011 में, इन सब पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है। आपका विदेश में रहते हुए हिंदी के प्रति समर्पण एवं नियमित योगदान अनुकरणीय है और सराहनीय भी। हिंदी ब्लॉग जगत की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो उड़न तस्करी से परिचित न हो और उड़न तस्करी द्वारा नियमित लेखन हेतु व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया हो और यूएफओ किचन नाम के यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आप सेतु पत्रिका में भी अपने बनाए व्यंजनों की रेसिपी लिखते हैं। समीरलाल जी सामाजिक सेवा में संलग्न है और कनाडा की राजनीति में भी जाना पहचाना नाम है और कनाडा आने से पहले भारत की राजनीति में भी इनका सक्रिय हाथ रहा है। आपकी विधा व्यंग है। व्यंग का जन्म अपने समय की विद्युतताओं के भीतर से उपजे असंतोष से होता है। व्यंग एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यंगकार जीवन की विसंगतियां, खोखलेपन और पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करता है, जिनसे हम सब परिचित तो होते हैं किंतु उन स्थितियों को दूर करने बदलने की कोशिश न करते हुए बल्कि बहुधा उन्हीं विसंगतियों के बीच जीने की, उनसे समझौता करने की आदत बना लेते हैं। मैं आगे इससे ज्यादा न बोलते हुए समीर लाल जी का स्वागत करता हूं। समीर लाल जी, आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दर्शकों को अपनी सबसे प्यारी कविता या अपनी सबसे प्यारी रचना सुनाए, क्योंकि सारी रचनाएं एक हमारे बच्चों की तरह होती है और ये नहीं कह सकते कि हमें इस बच्चे से ज्यादा प्यार है और इस बच्चे से कम। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दर्शकों को अपनी कोई रचना सुनाएं जिसमें व्यंग का जो पुट है वो सामने आए। समीर लाल जी, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ पे। तो मैं आपको एक अपना रचनाएं तो सभी बढ़िया होती हैं मेरे हिसाब से, खुद जब खुद लिखते हैं आप तो आपको लगता है सब रचनाएं अच्छी हैं, और मैं आपको वो सुनाता हूँ जो मैं भी अभी आसपास ही लिखी थी मैंने और कोरोना काल से ही संबंधित है, तो उस वो आप उसको रिलेट कर पाएंगे आज के समय से। तो उसकी शीर्षक है सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। कहते हैं आज के इस कोविड काल में सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच और सुरक्षात्मक उपाय अपनाते रहें तो शायद इस काल को पार कर जाएंगे। शुरुआत में तो दिन भर बैठ के यही देखते थे कि टीवी पर कितने लोग मरे, कितने और मरे। हर बढ़ते आंकड़े के साथ साथ दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। जितनी बार वो टीवी पर विज्ञापन आते हैं कि हाथ साबुन से 20 सेकंड तक धोते जाओ, उतनी बार उठ उठकर हाथ धोने जाते। फिर CNN ने बताया कि जितनी देर में आप दो बार हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाओगे 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे। तो धुलते धुलते हाथ बाकी के शरीर से गोरा हो गया और कंठ हैप्पी बर्थडे गाने में माहिर हो गया, मगर कोरोना कब है जो टिका था वहीं टिका रहा यथावत। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि टीवी दिन भर न देखकर एक बार 10 मिनट के लिए देखो, वो भी सिर्फ यह जानने के लिए कि सरकार ने कोई नया आदेश तो नहीं पारित कर दिया है जिसका आपको पालन करना है। टीवी देखना बंद कर दिया, हाथ धोना बंद नहीं किया, अतः भय मानस पर छाया रहा। अब हैप्पी बर्थडे यानी कि तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000 गाते हुए लगता था कि करोना उस गाने को अपने लिए गाया हुआ तो नहीं मान रहा है, कहीं उसका दिन प्रतिदिन विस्तारित ढंग से हो रहा है। आखिर दुनिया भर में उसे याद करके कितने सारे लोग हाथ धोते हुए यही गाना गा रहे हैं, तुम धुआं का असर तो होना ही है। जब गुड्डू ये गाना गाते सुनते सुनते 1 साल से की उम्र से आज 80 साल का चुस्त दुरुस्त बुजुर्ग है तो भला कोरोना का क्या बिगड़ना है, यही सोचकर अब बिना गाए हुए हाथ धोने लग गए। टीवी पर समाचार देखने की आदत तो शराब पीने की लत से भी ज्यादा खराब बताई जाती है। शराब और गांजे की आदत छुड़वाई जा सकती है, मगर टीवी पर समाचार देखने का अगर चस्का लग जाए तो बिना देखे जीवन निरस लगने लगता है। दरअसल दूरदर्शन वाले समाचारों में वो नशा नहीं था जो आजकल वालों में है। धूम धड़ाके के साथ ऐसा लगता है समाचार नहीं कोई फिल्म देख रहे हैं, जिसकी एकदम मस्त पटकथा लिखी गई है, सटीक डायलॉग लिखे गए हैं और जैसा निर्देशक ने चाहा वैसा ही मनभावन अभिनय किया गया है, अपने फाइनेंसर का पूरा ध्यान रखते हुए। हर समाचार रूपी फिल्म का उद्देश्य मात्र इतना कि फाइनेंसर को किसी न किसी रूप में फायदा मिलता रहे। फाइनेंसर आका होता है, उसे नाराज नहीं किया सकता। इतिहास गवाह है कि जिसने भी उसे नाराज किया है उसकी दुकान तुरंत ही सिमट गई है। खैर, टीवी का नशा छुड़ाने के लिए सोशल मीडिया का हाथ थामा तो पाया कि यह तो गांजा छुड़ाने के चक्कर में चरस पीने लग गए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ईमेल, जहां भी जाओ वहां कोरोना पसरा पड़ा था। कोई इलाज बता रहा था
तो कोई उसे लाइलाज बता रहा था। कुछ बुद्धत्व को प्राप्त लोग इसे बीमारी मानने को ही तैयार नहीं थे और इसे अफवाह बताकर निकल जा रहे थे। कोई घर पर हैंड सैनिटाइजर बनाने की विधि बताता था तो कोई इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका, मगर ले देकर बात कोरोना की ही हो रही थी और हम अभी भी हाथ धो धोकर कोरोना को भगाने में लगे थे और वो दिमाग पर चढ़कर अपनी विकास यात्रा में लगा हुआ था। लगने लगा कि कहाँ चले जाएं जहाँ इसकी बात ना हो रही, कोई जिक्र ही ना आए या वो हमारे सर से उतर जाए किसी भी तरह से। कहते हैं ना कि उदन बच्चे को बदमाशी बंद करवानी हो तो उसको इग्नोर करो, उसकी बात ही ना करो, थोड़ी देर में अपनी उपेक्षा देखकर वो बदमाशी करना बंद कर देगा। मगर वैसी कौन सी जगह है, क्या देखूं क्या सुनूं, कुछ समझ नहीं आता था। जिद देखूं तितलाल की तर्ज पे हर तरफ कोरोना की ही बात, कोरोना मैं वातावरण। तब एकाएक ईश्वर का एक भेजा हुआ दूत मुझे मन की बात सुनने की सलाह दे गया, तब जाकर इस बेचैन दिल को करार आया। न कोरोना की कोई बात, न आंकड़े, न इससे होने वाले नुकसानों की कोई बातचीत। आहा, यही तो जगह मैं ढूंढ रहा था। आराम से बैठो, देसी कुत्तों की प्रजातियां जानो, मोर को दाना खिलाओ, सब सुनो, बस कोरोना को छोड़कर। ऐसे शुद्ध वातावरण और कोरोना मुक्त स्थल आज बचे ही कहाँ है। आज फिर हमने अपने आप को विश्व गुरु साबित कर ही दिया, मैं कोरोना भय से मुक्त हो गया। आपको भी भयमुक्त होना है तो मन की बात सुनिए। गौतम बुद्ध भी कहा करते थे कि जब बाहर की बाहर बहुत कोलाहल हो तो मन की बात सुनना चाहिए। आज जाकर उनकी बात का गूढ़ अर्थ मुझे समझ आया है। बहुत बढ़िया सुमेरा जी, बहुत ही अच्छे। ये तो आपने पूरा एक प्रसंग ही बना दिया और एक यात्रा पे हमें ले चले। सुमेरा जी, आप मेरा जो अगला प्रश्न आपसे है वो है, आप कविता, गजल, कहानी, व्यंग कॉलम अनेक विधाओं में लिखते हैं। इन सब विधाओं में से व्यंग के साथ ही आपका नाम सबसे अधिक जोड़ा जाता है। मुझे ये बताएं कि व्यंग ही आपकी सबसे प्रिय विधा क्यों है? पाठक भी कुछ चीजों को अपनी प्रिय विधा बना देते हैं, लेकिन मुझे क्या होता है कि हर इंसान के साथ जब आप कुछ विसंगतियां देखते हैं समाज में, कुछ खोखलापन देखते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप चुपचाप उसको इग्नोर करके निकल जाइए और ये मान लीजिए कि चलिए जैसा प्रारब्ध होगा वैसे हमारे साथ अगर होना होगा तो हो जाएगा, और दूसरा है कि आप उसके लिए आवाज उठाइए। मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना, मैं आवाज उठाता हूँ। मेरा मानना है कि बोलना तो होगा। गूंगा समाज हमेशा अत्याचार को आमंत्रित करता है। गूंगे समाज में रहने का कोई भी फायदा नहीं। किसी कविता में पढ़ा था, जिंदा हो तो जिंदा दिखो, बस उसी को सोच के मैंने जिंदा दिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया। लेकिन क्या होता है जब आप किसी तंत्र से या समाज से या किसी बड़ी चीज से लड़ते हैं या उसके खिलाफ बोलते हैं तो आपको साथ ही में सतर्क भी रहना पड़ता है, क्योंकि आपकी जिंदगी एक ही है और तंत्र बहुत ताकतवर होता है, समाज बहुत ताकतवर होता है, वो आपको रहने नहीं देगा अगर वो नाराज हो गया आपसे। तो उसको सीधे ना बोल के, आप सीधे ना मार के उसको ऐसा प्रहार करें कि बात उन तक पहुंच भी जाए और वो सिर्फ तिलमिला के रह जाए, कह भी ना पाए कि तुमने मुझसे कहा है। क्योंकि जैसे वो कहेगा तुमने मुझसे कहा है, वो अपने आप साबित कर रहा है कि उसने ये काम किया है। तो व्यंग ने उसके लिए मुझे बहुत सारा दिया और अपनी बात कहता रहा आज तक, तो कहता जा रहा हूँ, अभी भी कहता जा रहा हूँ। तो इसीलिए मेरी प्रिय विधा बन गई कि मैं इससे अपनी बात भी कह लेता हूँ और लोगों को समझ में भी आ जाती है। बहुत बढ़िया सुमेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब प्रबुद्ध व्यक्तित्वों का, आपने आज चार विधाओं के बारे में दर्शकों को बताया, संपादकीय लेखन, आत्मकथा, संस्मरण और व्यंग पे। इसके साथ ही आज के सत्र का समापन का समय आ गया है। एक बार फिर हाथ जोड़ के मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और आशा है कि हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।